Hello, good morning to everyone. So first of all, I welcome all of you who are here. सभी को good morning to all of you. मैं हूँ खेमेंद्र और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक और session, complete solution of 2018 SSC JEE examination set number 4. तो जितने भी students मेरे पास यहाँ पर है, एक बार जल्दी से share कर दीजिए इस video link को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा students हमारे साथ जुड़ पाए. क्या कराने वाला हूँ, काफी सारे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही सारे क्वेश्चन, एंड टोटल 100 क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग. ठीक है गाइस, यस, सो आई विल जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल एंड देन विल मूव अहेड. सो यस, वी आर लाइव हेयर एंड मैं आपके सामने वापस आ चुका हूँ यहाँ पे एक और बहुत ही शानदार सेशन लेके, जिसका नाम होगा SSC JEE 2018 कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन. ठीक है, सभी के सभी लोग मुझे फॉलो कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इस पूरे सेशन से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आ सकती है एग्जामिनेशन. ठीक है, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोग यहाँ पे आ जाइए एक बार. एंड दिस इज माई नेम, खेमेंद्र इज माई नेम, सो आई एम हेयर टीचिंग यू. चलो मेरे बारे में कुछ बता देता हूँ जल्दी जल्दी से. मेरा नाम है खेमेंद्र और आई एम एमटेक फ्रॉम NIT जयपुर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स. 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग इन गेट एंड ESC डोमेन, एंड ये सारे सब्जेक्ट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है. अगर आना चाहते हो SSC प्लस सब्सक्रिप्शन पे, अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हो, तो ये जो है खेम लाइव कोड, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट इन द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर दो, ये वीडियो लिंक को शेयर कर दो, वीडियो लिंक को शेयर कर दो सबसे पहले तो. ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स भी आ जाए, शायद सबको पता नहीं चल पाया. और सब्सक्राइब बटन का दबा दीजिए अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए अगर आप नए हैं तो. ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें तो है ही, साथ साथ अभी थोड़ी देर में सेशन शुरू करते हैं, थोड़े और स्टूडेंट्स आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देखो लाइव क्लासेस, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की बातें कर रहा हूं मैं. प्लस की क्या क्या खासियत है, क्या क्या खासियत है, एडवांटेजेस. एडवांटेजेस ऑफ अनअकैडमी प्लस क्लास. देर आर डेली लाइव क्लासेस आर देयर, डेली लाइव क्लासेस आर देयर, क्रैश कोर्सेस आर देयर एंड RIBs आर ऑल्सो देयर. मैं आप कहते हैं आप स्पेशल सेशन ले रहा हूँ अभी यहाँ पे, वेरी रेगुलर क्लास भी चलती है मेजरमेंट की रात 8 बजे. ठीक है, सभी लोग जानते हैं इस बात को. इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों में क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे. आपकी मान लीजिए हर तीन क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, इसका मतलब 1/4 × 100, इसका मतलब पूरे कोर्स की 25% क्लासेस डाउट क्लियरिंग में चल जाती है. डाउट क्लियर करने में सारी क्लासेस चल जाती है. अनअकैडमी में मेरा नाम सेम है, खेमेंद्र सर्च कीजिए. खेमेंद्र सर्च करेंगे SSC और गेट सेक्शन में दिख जाऊंगा आपको. ठीक है, अनअकैडमी में. और मेरी जो क्लासेस चलती है रैपिड फायर क्विज, वो भी देखिएगा, उसमें बहुत आपको एडवांटेज मिलेगा, काफी सारे क्विजेस कराया मैंने वहां पर. आगे बता देते कि ये क्या तरीका है ये इस पूरे इसको लेने का. SSC सेक्शन में जा सकते हैं, और अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट सेक्शन में जा सकते हैं. इस पे जाकर एक बार क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा इस तरीके का.
जैसे ही ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आपको सेलेक्ट करना है कि कितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, तो मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बैलेंस्ड सब्सक्रिप्शन इज 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये तो गेट की प्राइसिंग है, टोटल अमाउंट 25,000 है। उस पर अगर आप कोड यूज करेंगे खेम लाइव तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द पेएबल अमाउंट विल बी 25,500। एंड सेम फॉर द एसएससी सेक्शन, 6,000 रुपीज इज द फी फॉर द कंप्लीट ईयर एंड बाय आफ्टर यूजिंग द कोड खेम लाइव यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% and the payable amount is 5,400 and debit card credit card किसी भी तरीके से। ये देखिए SSC JEN के लिए पूरा का पूरा pay structure दिया हुआ है इस तरीके से, बिल्कुल। and this is your payable amount by after using this code KMLIVE। अगर आपके पास कुछ coins है extra classes लेकर आपने, जी हाँ मैं free classes भी कराता हूँ Unacademy पे, तो आप जाके मुझे फ्री क्लासेस को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे वे में फ्री क्लासेस कंडक्ट हो रही है वहां पे, ठीक है। फ्री क्लासेस भी आप लोग देख सकते हैं। ये है फेसबुक ग्रुप, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। तो अब शुरू करते हैं सेशन। टोटल 100 क्वेश्चन आई विल बी डीलिंग टुडे, क्लियर गाइस? सो प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर हेयर विथ मी एंड एक बार जरा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इस पूरे के पूरे वीडियो लिंक को, ताकि और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एक बार बता दो कितने लोग हो यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है गाइस? सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, तो बीच में थोड़े से हैवी आ जाएंगे। बहुत ही आसानी से पहला क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या आंसर होगा। एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विच अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट इज वेरी वेरी इजियर। रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर, विच अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, inverse of resistance is conductance, so there is reluctance and permeance also, reluctance and permeance are also inversely related, reluctance and permeance are also inversely related, so you know all these points, ya sari cheeze clear honi chahiye ki kahin se bhi question aa sakta hai, theek hai। bahut hi aasan wapas se, ab batao ye same set mein question puche ja chuke hain, wahi main lekar aa raha hu, set number 4 discuss kar raha hu main completely, ठीक है। सेट नंबर 4 2018 एसएससी जेईन पेपर के लिए। एसआई यूनिट ऑफ ओम्स किसकी होती है? रेजिस्टेंस की, डेफिनेटली। अच्छा बताइए कैपेसिटेंस की क्या होती है एसआई यूनिट, जल्दी से बता दीजिए। अब उनके लिए भी ये सेशन फायदेमंद रहने वाला है जो पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, और उनके लिए भी जो पहले कर चुके हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हेनरी, और इसका कंडक्टेंस का मो, ठीक है। सभी लोग बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर व्हेन द डिसिपेटेड पावर ऑफ अ करंट थ्रू द रेजिस्टर इज 12 वॉट। पावर आ गई मेरी 12 वॉट एंड डिसिपेटेड पावर एंड करंट, करंट मतलब आई, आई है हमारा 2 एम्पियर। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, easily, very easily, what we know, power dissipated will be equal to I square R, R will be equal to 12 divided by 2 का square, 12 divided by 4, it will be 3 ohms, so D 3 ohms is the correct answer, डी 3 ओम्स इज द करेक्ट आंसर गाइस। जल्दी से एक बार शेयर कर दो इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों के साथ, ताकि और स्टूडेंट्स भी जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। यस एवरीवन इज करेक्ट, दैट इज वेरी गुड, 3 इज द करेक्ट आंसर एंड इट मींस द डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 4,
ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने जो पहले भी सेट कराया है, तो आई थिंक सेट वन में ये क्वेश्चन आया था और सेट फोर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इन द सेम एग्जामिनेशन देर आर सम क्वेश्चन विच आर रिपीटेड अमंग द डिफरेंट डिफरेंट सेट्स। ओके, सो ये चीज भी अवेलेबल है वहां पे। सो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल डिवाइड बाय ए, ये तो आप जानते ही है। रेजिस्टिविटी कितनी बता रखा है यहाँ पे, लेंथ बता दिया, डायमीटर बता दिया, और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज 0.4 इंटू व्हाट इज लेंथ 4 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया पाई, एंड दिस इज माय डायमीटर 0.2, 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो कैलकुलेट करेंगे अच्छे से। Your answer you will get. Yes, 100 question I will cover. Good morning, Keshav, Bihari, Shantanu. I will be covering 100 question from this point. Okay? चार हो चुके हैं, 100 तक पहुंचेंगे, सेंचुरी लगेगी आज भी बिल्कुल। 51 ohms is the correct answer. You calculate it and you will get the correct answer. 51 ohms is the correct answer. Clear, guys? Next. Which of the following material has the highest resistivity? Which of the following material has the highest resistivity? Is the insulator have the highest resistivity? Achha, which has the least resistivity and highest conductivity? Least resistivity. Or you can say highest conductivity. यहां पर लीस्ट कंडक्टिविटी, कह सकते हैं कि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी वैसी क्यों होती है आप जानते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बॉन्डेड है, टाइटली बॉन्डेड है, और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन है, अगर अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता तो इसलिए वो इजीली मूवेबल है, इजीली मूवेबल है, और यहाँ पर वो टाइटली बॉन्डेड है, या तो 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सेमीकंडक्टर वो चीज होती है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुपरकंडक्टर वो चीज होती है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सुपरकंडक्टर वो चीज होती है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मुझे पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात आ गई, देखो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे जीरो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करा दे, एक पर्टिकुलर उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे और वो जीरो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करा देगा। सो डी होने का तो ऑप्शन रह ही नहीं जाता क्योंकि ये तो जीरो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है और वो मैक्सिमम रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स भी काफी ज्यादा क्लियर हो रहे होंगे, बिल्कुल क्लियरिटी आ रही होगी हर एक चीज के बारे में। बताइए जरा कैसा फील कर रहे हैं इन द चैट सेक्शन, और एक बार जरा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और जो लोग आ गए एक बार जरा लाइक का बटन दबा दीजिए जरूर, ठीक है सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? यस, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस यू नीड टू फाइंड आउट, प्लीज टेल मी द, बिल्कुल एसएससी जेईन का एग्जाम बीटेक के स्टूडेंट दे सकते हैं, बिल्कुल सूरज, यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी राइट नाउ। What will be the equivalent inductance? अगर इसका equivalent inductance हम निकालना चाहेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है? This point is connected to this point. और बीच में इनका parallel combination है। बीच में इनका parallel combination है, तो फिर बीच में जब इनका parallel combination आ गया तो फिर उसकी जो equivalent value आ गई वो तो shunted हो गया ना एक तरीके से। ऑल्दो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है पर वो पूरा शंटेड हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा,
शॉर्ट पैरेलल कनेक्शन। तो एसएससी ने भी इसका आंसर गलत दिया था, एंड उन्होंने क्या कर दिया था, 50 करके बता दिया था, पर 50 आंसर नहीं होगा, 40 इज द करेक्ट आंसर है। यस, 40 इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये शॉर्ट है ऑलरेडी, ये जितने भी इंडक्टर्स है तो उनका कोई मान्य नहीं होगा, उनकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई रियली होप यू ऑल आर फॉलोइंग। ठीक है, आई रियली होप यू ऑल आर फॉलोइंग मी, एंड सबको मजा आ रहा होगा, सारी चीजें एक एक करके दिमाग में आ रही होगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, डिटरमाइन द पावर ऑफ अ लैम्प, डिटरमाइन द पावर ऑफ अ लैम्प इतने वोल्ट का है व्हेन द रेजिस्टेंस, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पावर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर बराबर 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। इजीली 484 इज द करेक्ट आंसर, 22 में मल्टीप्लाइड बाय 22, 22 का स्क्वायर, बिल्कुल। नहीं सूरज, वो गलत है, बीटेक के स्टूडेंट्स को भी जॉब मिलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट विल बी द वोल्टेज, व्हाट विल बी द वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग अ प्लेट एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन इज 2 mm, विच स्टोर्स इतने पिको कूलम चार्ज। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, वोल्टेज, आपको क्या निकालनी है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है, क्यू बाय सी, क्यू आपके पास है चार्ज, सी आपके पास नहीं है, सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। कैसे निकलेगा, एरिया आपको गिवन है, एप्सिलॉन कितना होता है, 8.85 इंटू 10^-12, 8.85 इंटू 10^-12 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10^-4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10^-3। सॉल्व करेंगे इसको कंप्लीटली, यू विल गेट 26.55 इंटू 10^-13। सिंपली अब V की वैल्यू निकाल लेंगे, Q कितना दे रखा है, 8 × 10^-12, C कितना है, 26.55 इंटू 10^-13 बराबर कितना आएगा, 3.0 समथिंग आएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3, दिस A इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, वेरी गुड, यस। रिया शर्मा, मधु, गोरेश, गोवरेश, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन फिगर, करंट की वैल्यू निकालनी है इन द गिवन फिगर पे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी, कोई कोई इश्यू की बात ही नहीं है, आप देखेंगे बिल्कुल। ये सर्किटरी है मेरे पास, ये मुझे दिख रहा है 8 और 8, 8 और 8, 8 और 8 पैरेलल में, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 4। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 + 4 + 2, टोटल रेजिस्टेंस आ गया मेरा 10 ओम। भगवान ने हमको एक थ्योरम बताई है, KVL, V इज इक्वल टू आई आर, कितना है, कितना है ये, 40 विल बी इक्वल टू I, करंट मुझे निकालना है, करंट मुझे निकालना है, और ओम कितना है, 10। I will be 40 by 10, it will be 4 amps. So B is the correct answer here. B is the correct answer here, guys. ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को,
एक-एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, कोई समस्या की बात नहीं है, जैसा भी आपको लगे मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। पावर डिलीवर्ड करंट सोर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर निकालना पड़ेगा। व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं, और देखो ये आपस में कनेक्टेड है, तो अगर देखा जाए तो मैं इसका इक्विवेलेंट निकालता हूं, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं, और वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। सो पहले मैं पहले वाले का निकालता हूं, 4 × 6/10, it will be 2.4। अगर मैं दूसरे वाले का निकालू, 8 × 2/10, it will be 1.6। तो एक हो गया मेरा 2.4 रेजिस्टेंस और एक हो गया 1.6 रेजिस्टेंस। अब दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये मेरा लगा है करंट सोर्स यहाँ पे, दिस इज माय 2.4, दिस इज माय 1.6। अब 2.4 प्लस 1.6 कितना होता है, टोटल आर विल बी 4 ओम्स। अब कुछ नहीं करना, पावर डिलीवर्ड निकालनी है तो आई स्क्वायर आर लगा दो, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्स, 10 का स्क्वायर इंटू 4, 100 इंटू 4, इट विल गिव यू 400 इज द करेक्ट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी की सारी चीजें। 400 इज द करेक्ट आंसर है, दिस इज SSC JEE 2018 एग्जामिनेशन सेट नंबर 4, आई एम ब्रिंगिंग विथ यू। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स, एंड आफ्टर 10-13 सेकेंड्स आई विल जस्ट रीड बाय माई सेल्फ। सभी लोगों को साउंड अच्छे से आ रही है ना, बता दो एक बार, आवाज आ रही है, यस, The first option is saying the superposition theorem is applicable to only those circuit that have active element. Not exactly. Superposition theorem is applicable to those circuit that only have passive element. Superposition theorem is applicable to only those circuit that have linear bilateral element. This is the correct answer. First and foremost, देखो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ी है सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में, तो यू शुड हैव नोट दैट इट इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर लीनियर बायलेटरल एलिमेंट्स, इट इज वैलिड फॉर लीनियर बायलेटरल एलिमेंट, देखते ही वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन द क्लोज्ड पाथ इज ऑब्वियसली जीरो, यही तो बताता है हमें KVL, KVL इज द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ होगी ये हमारी KVL, और इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन, ऑफ एनर्जी, ध्यान रखेंगे इस बात। नेक्स्ट, अब ये देखो, हाँ ये देखो, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग law is based on the principle of conservation of charges. In the same examination, they have asked the questions like this. That which of the following law is based on the principle of conservation of charges. As and when we talk about the conservation of charges, the Kirchhoff current law is the correct answer here. It is based on the conservation of charges. और ये तो आपको अभी भी बताएंगे मैंने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो दिस ए इज द करेक्ट आंसर हियर।
ओके, के सी एल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यस गुड। देखो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अभी के अभी लाइव चैट में इसके आंसर दीजिए, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर देने की कोशिश कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल आंसर सब जानते हैं इसका आंसर क्या है। बहुत ही अच्छे से। द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, देखो बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है दैट विल बी जीरो। दिस इज द रीजन वी कंसीडर द शॉर्ट सर्किट। जब हम RTH की वैल्यू निकालते हैं, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। When calculating RTH, अच्छा एक और बात करते हैं, मुझे बताइए आइडियल करंट सोर्स के लिए क्या होगा। आइडियल करंट सोर्स के लिए दिस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट शुड बी इंफिनिटी। आइडियल करंट सोर्स के लिए दैट शुड बी इंफिनिटी। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है बात। अब इंफिनिटी है इसीलिए तो आइडियल करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देते हैं। क्या करा जाता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कर दिया जाता है। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, मेरे वोल्ट मीटर की, आइडियल वोल्ट मीटर, अब इट इज नॉट ए सोर्स, इट इज मेजरमेंट पार्ट, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इट शुड बी इंफिनिटी, या फिर कह सकते हैं हम हाई होता है काफी ज्यादा। एंड इसी तरीके से अमीटर का फॉर करंट मेजरमेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी वेरी लो। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही सारी की सारी बातें आपको। एंड बस जो करंट सोर्स और जिस आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स का उसका अपोजिट है इन द केस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे। अच्छा जितने लोग यहाँ पर है एक बार जरा मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए लाइव बच्चे ज्यादा है, लाइक्स कम है, सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइस, सो प्रैक्टिकली इट इज हाई एंड दिस इज अ लो वैल्यू। ध्यान रखेंगे इस बात का, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, उल्टा है उसका। सभी लोग नेक्स्ट, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए वोल्टेज डिविजन रूल लगा दीजिए और आंसर बता दीजिए मुझे। वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए और आंसर बता दीजिए मुझे। क्या पूछ रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस दिस आर टू ना, बिल्कुल आर टू के अक्रॉस पूछ रहा है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से वी आर टू विल बी इक्वल टू कितना होगा, आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाय टोटल वी। तो ये हो गया मेरा 40 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 20 इंटू 20, सो दिस विल बी 40 बाय 60 इंटू 20, सो द करेक्ट आंसर विल बी 13.33। विल बी द करेक्ट आंसर, यस बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा इसी तरीके से ये तो हो गया वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है।
सपोज करो कि मेरे पास इस तरीके से दो रजिस्टर हैं, ऐसे ही, एक है 40 और एक है 20, और ये लगा है मेरा करंट सोर्स, कितने का? 20 एम्पियर का। प्लीज टेल मी द करंट थ्रू 40 ओम्स रजिस्टर, करंट थ्रू 40 ओम्स रजिस्टर बताइए जरा मुझे इस केस के। 20 एम्पियर है, 20 इधर है, 40 इधर है, करंट थ्रू 40 ओम्स रेजिस्टेंस, आई 40 विल बी इक्वल टू दिस। सपोज करो ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है। R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू I टोटल, ये कंडीशन होगी, ठीक है? इसका ये कंडीशन होगी, तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो इट विल कम अराउंड व्हाट दिस 20/3, इट विल कम आई 40 विल बी इक्वल टू 20/60 इनटू 20, सो 20/3 इट विल कम 6.66, यस 6.66 विल बी द आंसर, क्लियर? अब देखो दोनों रूल आपके क्लियर हो गए होंगे इस क्वेश्चन के बाद, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द गिवन सर्किटरी। करंट की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल आसानी से निकाल दीजिए क्या आंसर आंसर होगा। इसको कैलकुलेट कीजिए पहले तो, 100 पैरेलल टू 40 कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे इस वाली टर्म को, 100 पैरेलल 40 को, इट विल कम 28.57। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, प्लस 20 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 20, दिस विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ हियर। टोटल रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, इट मस्ट बी सम वैल्यू, एंड दिस मस्ट बी सम वैल्यू, 50 50 के बाद 70 98.57। ये कितना आ गया, 98.57 आ गया ना, एंड करंट विल बी इक्वल टू वी बाय आर, एंड वी कितना है 10 और ये है 98 पॉइंट समथिंग, तो करेक्ट आंसर विल बी 101 मिली एम्प्स, सो दिस इज माय करेक्ट आंसर, हियर डी इज द करेक्ट आंसर हियर गाइस, 101 मिली एम्प्स। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसके कैलकुलेशन, तो अप्रोक्सीमेटली आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को हटा के, ठीक है, 101 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो 101 मिली है ना, देखो हमको मिली में निकालना है, इन द मिली एम्स, तो आपका आंसर आ रहा होगा 0.101। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर सकता हूं ना इसके अंदर, मिली में, मिली के अंदर कर सकता हूं ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन द 6 ओम रेजिस्टर, देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो दो अलग अलग तरीके इसको सॉल्व करने के, या तो इसको पूरे को सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकालो और करंट निकाल लो, फिर करंट को डिवाइड कर दो, एक तो ये तरीका है, या फिर यहाँ पे इस पोटेंशियल को वी मान लो और एक फॉर्मूला लिख लो, क्या लिखोगे, वी माइनस 40 डिवाइड बाय 2 प्लस वी बाय 4 प्लस वी बाय 16 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, व्हाट यू विल गेट, इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली इन द क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल यू गेट, वी विल बी इक्वल टू, यू विल गेट 24.48, यू विल गेट 24.48 यू विल गेट। अच्छा, नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, द करंट थ्रू, सिक्स ओम रेजिस्टेंस
कितना गया, वी डिवाइड बाय 16 हो जाएगा ना, तो इट इज 24.48 डिवाइड बाय 16, कर दो कितना आया, 1.54 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हियर, यस वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। बताइए जरा, मेरी आवाज सबको पहुंच रही है और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं सेशन को, बताइए जरा एक बार जरा बता दीजिए मेरी आवाज पहुंच रही है और आप सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं सेशन को। यस नेक्स्ट, so this question was also asked in the SSC JEE examination and this is a little bit difficult question, please try to do it and tell me the correct answer of this question। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सोच के करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सोच के देखिए क्या आंसर आ रहा है। डिटरमाइन द थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट रेस्पेक्टिवली। 6 ओम रेजिस्टर कौन सा है, ये वाला है मेरा 6 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो सारे सर्किटरी में जितने भी ऑप्शंस मुझे दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें VTH और RTH की वैल्यू ऑलमोस्ट सब में अलग अलग है, VTH और RTH की वैल्यू ऑलमोस्ट सब में अलग अलग है। तो अगर मैं किसी भी एक चीज निकाल लूं तो मेरा आंसर तो मुझे मिल ही जाएगा। अगर मैं कोई सी भी एक चीज अगर फाइंड आउट कर लूं तो मेरा आंसर तो मुझे मिल ही जाएगा। वही करके देखते हैं, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज ऑप्शन जरूर देखना, ऐसा नहीं कि उसको करने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करना, ऑप्शन देखना और ये देखना कि कौन सा ऑप्शन मैं इजिली निकाल सकता हूँ। जब इसको देखोगे तो पता चल जाएगा अगर मैं RTH की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि RTH निकालना बेसिकली आसान है क्योंकि मैं वोल्टेज सोर्स को तो शॉर्ट कर दूंगा, वोल्टेज सोर्स को तो शॉर्ट कर दूंगा मैं, तो RTH निकालना तो बेसिकली आसान है। RTH निकालना अगर आसान है तो ये मेरा हो गया एक टर्मिनल और ये मेरा हो गया एक टर्मिनल। अच्छा अब वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब ये पूरा शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर गए तो ये भी शॉर्ट हो गया और ये भी शॉर्ट हो गया। तो अगर देखा जाए तो RTH will be equal to 8+4 इन पैरेलल विद 2, 8+4 इन पैरेलल विद 2, निकालो जरा 12 इन पैरेलल विद 2 कितना आता है, 12 इन पैरेलल विद 2 कितना आता है, तो ये 24 डिवाइड बाय 14, 24 डिवाइड बाय 14 कितना आया, बिल्कुल आसानी से निकल गया 1.71, ये क्या है ओम्स। अब जब इतना निकल गया तो आंसर तो आ ही गया ना आपके पास, दिस इज द, अब देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता था ये, आपका बहुत टाइम लगता लेकिन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से चले तो कितना टाइम लगा, इट हैज टेकन नॉट मोर देन 30 seconds। ओके अगर आपको सही अप्रोच पता है तो मैं वही अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया, दिस इज माय करेक्ट आंसर। अब VTH निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर VTH को कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सभी लोग फॉलो कर पा रहे ना मुझे, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द प्रीवियस क्वेश्चन वाज वेरी गुड, नाउ विल डू अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजीली, जस्ट कैलकुलेट द इजियर, RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इजीली, कर दीजिए। ये तो हो गया ओपन सर्किट RTH के लिए और ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया शॉर्ट, तो शॉर्ट हो गया तो 6+10+10 तो ये हो, तो हो गया 26 इन पैरेलल विद 8, 26 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 34, इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, 26 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 34, द आंसर यू विल गेट इज 6.11। अब बताइए जरा, बिल्कुल आसान सा लग रहा है ना आपको, सारी चीजें बिल्कुल आसान सी लगनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, बताइए जरा।
बिल्कुल लाइक जरूर कर देना सभी लोग जितने भी यहाँ पर हो इस वीडियो को। बड़े ही आसानी से आपने निकाल लिया, बी इज द करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द लोड ऑफ द सर्किट डायग्राम शोन बिलो। सोर्स टू लोड पे सर्किट डायग्राम बताइए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में क्या होने वाला है। देखो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, तो बिना कैलसी के कैलकुलेट होगा, पर वो इतना, ये जो आसान सी कैलकुलेशन है अप्रोक्सीमेटली आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसको जल्दी सी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। इट वुड नॉट मेड मोर देन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट भी नहीं, उससे कम ही टाइम में हो जाएगा ये सारी चीजें। इधर देखेंगे, फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले निकालो RTH, फिर निकालो VTH, RTH एंड VTH। जब RTH एंड VTH निकालेंगे तो RTH पहले कैलकुलेट करिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करिए और RTH की वैल्यू निकालिए, आपकी वैल्यू आएगी RTH की 5.01 ohms। इसी तरीके से VTH अगर निकालेंगे, वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट क्या होने चाहिए VTH की वैल्यू, डेट विल बी 1.6 वोल्ट। कैलकुलेट करके देख लीजिए, इट विल टेक लिटिल टाइम, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनको एग्जाम में लास्ट में करना होगा। ये वो क्वेश्चन है, मैं तो खैर करके लाया आपके लिए, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में लास्ट में किए जाते हैं। तो मैक्सिमम पावर विल बी वी स्क्वायर बाय 4 RL, 4 RTH, इट विल बी 1.6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 times of 5। यू गिव मी द करेक्ट आंसर हियर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्वेश्चन नंबर 20 है ये, दिस 0.13 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव बेस्ड है और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट में करने वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है टू वेस्ट योर टाइम, बट यू शुड बी प्रॉपरली अवेयर कि मुझे ये टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे ये क्वेश्चन लास्ट में ही करना है। सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं इसको, ठीक है, सभी लोग। शांतनु गॉट द करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो पिछले क्वेश्चन के बाद अब ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया, तो इसी तरीके से वो लोग भी करते हैं, सेम पैटर्न में मैं पेपर को लिख के लेके आया हूं एक एक चीज को, डू नॉट वरी अबाउट इट। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नॉट ट्रू कौन सी है, ठीक है, दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, यस, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, यस, they can pass through all media, yes, they attract each other while traveling in the same direction, no, this is not the correct answer, they attract each other while they are in the different directions, okay, so this is the wrong but this is the right answer। because it is written here not true पूछा गया है यहाँ पे। सभी लोग follow कर पा रहे हैं मुझे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक बार जरा शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने लोग हैं यहाँ पे लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे, यस। क्वेश्चन नंबर 22, द रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज व्हाट। द रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज greater than 1 is the correct answer here for the paramagnetic material। nahi, greater than 1 is the correct answer here, do not get confused in the relative permeability and susceptibility, wo alag alag cheez hai, do not get confused, okay,
डू नॉट गेट कंफ्यूज इन टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज. आई विल जस्ट गिव एक्सप्लेनेशन अगेन ऑल्सो, डोंट वरी. एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द मोस्ट इजीएस्ट. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला बी से डोनेट किया जाता है, नोटेट किया जाता है बी से. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला मेरा यहाँ पे सही है? क्वेश्चन नंबर 24 है ये. द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन will be n I by L, where n is the number of turns of coil, I मेरा है current, L आ गया मेरा inductance. अब ये तीनों की वजह से जो मेरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा वो मेरा बनेगा एन आई बाई एल. दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. वेरी इजीली सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं, सभी को मजा आ रहा है, बताइए जरा. यस, सभी को मजा आ रहा है ना. जितने लोग नए भी आए हैं एक बार लाइक कर दो इस वीडियो को, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, एक दोस्त के साथ शेयर करो बस. वॉट विल बी द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. What will be the coefficient of self-induction of the coil if the current changes, from +4 to -4 in zero in this 0.1 seconds and the EMF induced in this. So हम ये जानते हैं E will be equal to L di by dt. E कितना है 16. इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है. अब डीआई मतलब कितने से कितना चेंज हुआ है, माइनस फोर, तो ये इसको मैं लिखूंगा फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड, ठीक है ना, 0.1 सेकंड में इसको करा है. अब इसको मैं अगर आगे लिखूं नीचे की तरफ, सो 16 will be equal to 8L divided by 0.1. L will be 1.6 into 1.6 divided by E बराबर L di by dt. 16 will be equal to 4 minus of minus 4 divided by 0.1 into L. L will be equal to 0.1 into 16 divided by 8. This will be 0.2 is the correct answer. 0.2 Henry is the correct answer. 0.2 Henry is the correct answer. Yes, next question. Calculate the intensity of magnetization in the material. Calculate the intensity of magnetization in the material if the magnetic field strength of the material is itna and the magnetic susceptibility is itna. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. Intensity of magnetization M is given by susceptibility into magnetic field strength. So कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो 0.4 into 10 की पावर माइनस 5. और मुझे पता है आप सभी लोग इस चीज में थोड़े से परेशान हो जाते हो कि सर ये कैलकुलेट कैसे होगा, फॉर्मूला याद नहीं है. बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है ये. अगर आपने मटेरियल साइंस थोड़ा सा ही पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे. मल्टीप्लाइड बाय 1800 एंड यू जस्ट कैलकुलेट इट, वेरी इजीली यू विल गेट 0.0072 एम्पियर पर मीटर, Yes, this is my intensity of magnetization.
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. आई वेरी वेल नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस. दिस इज माई करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट विल बी द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन द मैग्नेटिक सर्किट इफ द 100 नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग करंट. अच्छा देखो, एमएमएफ विल बी इक्वल टू वेरी इजीली एन आई. देखो इससे आसान तो क्वेश्चन कुछ बनेगा ही नहीं. 100 इनटू 0.2 इट विल बी 20 ओनली. इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा. ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा आपका. चिंता की बात कोई भी नहीं. आज रोज नहीं होती मिस्टर धनुप. मैं कुछ स्पेशल सेशंस लेके आ चुका हूँ. दिस इज माई सेट नंबर 4. इसी तरीके से मैंने सेट नंबर 1 2018 का सेट नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ. उसमें हर सेशन में मैं 100 क्वेश्चन ले रहा हूँ. हर सेशन में आई एम टेकिंग द 100 क्वेश्चंस. सो आई रियली बिलीव के जो मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जिस तरीके की सीरीज में लेकर आ रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है. क्योंकि देखिए, आपका बस 1 से 2 घंटा है. अगर आप बाद में भी वीडियो देखते हैं तो उसकी स्पीड तेज कर लीजिएगा 1.25 पे, तो फिर वो बहुत ही जल्दी आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. पूरे टेक्निकल का सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका. तो इसीलिए मैं इस टाइप की सीरीज लेकर आ रहा हूँ. ठीक है, अगर साथ में देख रहे तो बेटर है ही, क्योंकि आप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ साथ में लाइव बैठ के. लेकिन अगर बाद में भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो सीरीज है जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो सेट वाइज क्वेश्चन है, हर सेट के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. ठीक है, कितने लोग को लगता है कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जो चीज मैं करा रहा हूँ उनके लिए, बताइए जरा. आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव द आइडिया अबाउट वॉट यू सेड, बट नॉट इन दिस क्लास राइट नाउ, एंड आई विल टेक अनदर सेशन फॉर दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द क्रिटिकल करंट. क्रिटिकल करंट निकालना है. देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में सही नहीं आंसर दे पाते और गलती कर जाते हैं. अब ये वो क्वेश्चन है जो कि ध्यान देने वाला है, जो सबका सही नहीं होगा. V इज इक्वल टू आई आर सबका सही होगा. ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर है तो वो सबका सबका सही होगा ही होगा. लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो सबका सही नहीं होगा. ये जिसका सही हो जाएगा वो इंसान मेरा सिलेक्शन पा जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अब मैं इसका आंसर की तरफ चलता हूं. सबसे पहले आपको निकालना है एच सी. फॉर्मूला लिख रहा हूं, एच सी विल बी एच सी 0 1 माइनस टी बाय टी सी का होल स्क्वायर. अब एच सी अगर आपको निकालना है, एच सी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि क्रिटिकल करंट क्या होता है, आई सी विल बी इक्वल टू 2 पाए. आई सी क्या होता है, वो होता है मेरा 2 पाए आर एच सी. अब ये एच सी निकालना है यहां से और फिर उसको डालेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, और जब इस फॉर्मूले में हम उसको पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस आई सी की कंप्लीट वैल्यू. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही रैंक डिसाइड करते हैं. अगर आपने इन क्वेश्चन को सही करना सीख गए, वैसे तो इस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना, लेकिन इस क्वेश्चन को सही करना और फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है. कई कई बार सीधे सीधे फॉर्मूले ही पूछ लेता है वो. अब देखेंगे एच सी की वैल्यू. एच सी एट जीरो, एच सी एट जीरो वॉट विल बी द वैल्यू. मैग्नेटिक फील्ड इन फील्ड एट 0 केल्विन इट विल बी 6 × 10⁴. अंदर गए 1 माइनस व्हाट इज द टेम्परेचर, 8K/12K, 8/12 उसका होल स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करेंगे क्या वैल्यू आएगी फाइनली, 3.33 × 10⁴. नाउ पुटिंग द सेम वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर, वैल्यू इसमें सेम वैल्यू को पुट डाउन करेंगे. This will be -3 × 3.33 × 10⁴.
आगे चलेंगे और इस पे लिख देंगे करेक्ट आंसर विल बी 209.5। इस तरीके से कैलकुलेट करना है, 209.5 इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए क्योंकि कई बार फॉर्मूले भी सीधे सीधे पूछ लेता है। खैर ये तो खैर डिफिकल्ट है ही, एग्जैक्टली वैल्यू निकालना विदाउट द कैलकुलेटर, बट फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। ठीक है चलो आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द फ्लक्स डेंसिटी इन टी ऑफ अ मेटीरियल इन अ फ्री स्पेस इफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटीरियल इज इतना एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मेटीरियल इज इतना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको दे दिए इतना और फील्ड स्ट्रेंथ दे दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आप निकाल ही सकते हैं, जरूरत ही नहीं है, फील्ड की जरूरत है बस। इट विल बी 4π × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड विद 2 × 10⁵। गिव मी द करेक्ट आंसर हियर, इट विल बी 0.25, इट विल बी अराउंड 0.25। ठीक है, ये देखो आर क्या है, मैं बताता हूं, दिस आर इज द रेडियस, आर इज माय रेडियस। अब डायमीटर मुझे दे रखा है, डायमीटर कितना है 2 mm, तो आर कितना हो गया, आर कितना हो गया 1 mm। 1 mm को मीटर में कवर कवर करो, 10⁻³ m। अब वही 10⁻³ मैंने यहां लिख दिया, बताओ जरा क्लियर है? ठीक है, वही 10⁻³ मैंने यहां लिख दिया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हेयर इट इज प्रोवाइडेड टू जस्ट टू कंफ्यूज यू, देयर इज नो यूज ऑफ फाइंडिंग द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हेयर फॉर द दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉलो कर पा रहे हैं? इट इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू। ओके नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन द एवरेज ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ एरिया 200 cm² एंड 100 टर्न्स व्हेन इट कंप्लीटली रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 30 टेस्ला एक्टिंग एट द राइट एंगल ऑफ द कॉइल। बिल्कुल, मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ टाइम निकालना है इन सेकेंड्स। What will be the value of time in seconds? Question number 30 it is. देखेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूलेज याद होने बहुत जरूरी है, फॉर्मूलेज याद होने बहुत जरूरी है इस तरीके के पूरे सेशन में। आई होप दैट यू आर इंजॉइंग द सेशन एंड मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ उस चीज के आगे के लिए भी। चलिए, फॉर्मूले याद होने जरूरी है। फाइव विल बी इक्वल टू बी ए, दिस इज वॉट वी नो। एक बार जरा फाइव की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ रही है, 30 × 200 cm², 200 cm², तो 200 × 10⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, बिल्कुल मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम 0.6 वेबर, 0.6 वेबर। अब हम ये चीज जानते हैं, E विल बी इक्वल टू N d∅ / dt। E कितना आ गया वोल्टेज में, 100 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स 100, फाई इज 0.6, दिस इज माई टाइम। कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट टाइम विल बी इक्वल टू 0.6 seconds। So the C is the correct answer here. C is the correct answer here, guys. Clear? Those who are here for the first time, please subscribe the channel and if you are here, then please like the videos. Next,
व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी हैविंग अ पीक वैल्यू ऑफ 25 वोल्ट? बहुत ही आसान सवाल, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज हैविंग अ पीक वैल्यू ऑफ 25 वोल्ट? बड़े ही आसान तरीके से हम इसको कर देंगे, बहुत ही आसान सवाल है। एंड देखो क्या बोल रहा है, एवरेज वैल्यू कितनी होगी कि डीसी सिस्टम की जिसकी पीक वैल्यू है 25 वोल्ट। डीसी वोल्टेज लिखा है ना, तो ऑब्वियसली द एवरेज वैल्यू इज व्हाट, दिस डी इज द करेक्ट आंसर यार, डी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर इस तरीके से होता, बताओ सिग्नल, इस तरीके से सिग्नल होता है, ये होता 25, क्या उसका आंसर होता बताइए, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कितनी होती, सिंपल सी बात बताइए, एवरेज वैल्यू होती 12.5। सपोज करो ये 4 है, ये 10 है, ये 14 है, ये 20 है, क्या आंसर होता बताओ जरा, क्या आंसर होता बताओ जरा, एवरेज वैल्यू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 14, ये वैल्यू होती आंसर फाइनल, ये वैल्यू होती फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए क्या कहानी होती है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई रियली होप ये चीज सारी क्लियर हो गई होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेवफॉर्म, विच इज द वेवफॉर्म? रेक्टेंगुलर नहीं है, साइनोसॉइडल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, कौन सी बची, सॉटूथ वेवफॉर्म। सो इट इज माई सॉटूथ वेवफॉर्म। टूथ क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये टीथ की तरह दिखता है, ये देखो ये, तो इसलिए इसको सॉ टूथ बोला जाता है। ठीक है, फॉलो कर पा रहे हैं मुझे, सॉ टूथ वेवफॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 60 ओम्स। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 60 ओम्स, इसका मतलब XL विल बी इक्वल टू 60 when it is supplied to 50 hertz, what will be the value of inductive reactance when it is supplied to 60 hertz? 50 hertz, 60 hertz, kya janta hu main, xl will be equal to 2 pi f l, it means xl is directly proportional to f. So 60 divided by some value, XL2 will be equal to 50 divided by 60. XL2 will be equal to 60 into 60 divided by 50. It will be 72 is the correct answer. 72 is the correct answer here. Yes. ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और शांति से समझाया है। एक बार जरा बताइए सेशन कैसा लग रहा है, और अगर आप अभी अभी आए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए इस सेशन को। पूरे 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके आए हो, और वही पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इम्पीडेंस। अच्छा, इसमें इम्पीडेंस निकालना है और सीरीज आरएलसी सर्किट। अब इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, एक्सएल विल बी इक्वल टू 2 pi 50, 50 इज द फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय पाए, it will be 100 ohms,
एक्ससी विल बी इक्वल टू 1/2π इंटू 50 इंटू 200 डिवाइड बाय पाए इंटू 200 डिवाइड बाय पाए। ये है माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर 6 ऊपर। xc will be pi से pi got cancel, 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 50। तो 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइड बाय 50, इट विल बी 50 ओनली, 50 ओम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, देन इट विल बी रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? 120 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, एक्सएल कितना है 100, माइनस 50 का होल स्क्वायर। सॉल्व दिस, यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, द करेक्ट आंसर इज 130 ओम्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सॉल्व दिस, अप्रोक्सीमेटली आपको पता चल जाएगा कि आंसर कितना आएगा, 130 ओम्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बिल्कुल सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे बताइए जरा एक बार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज आरएलसी हैविंग द रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इज इतना इतना इतना। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 35 में बता दीजिए मुझे। सीरीज आरएलसी के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया? 1 बाय आर रूट ओवर ऑफ व्हाट? एल डिवाइडेड बाय सी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1/30 root over of what 27 मिली डिवाइडेड बाय 0.3 मिली। 27 डिवाइडेड बाय 0.3 इज 90 एंड 90 का रूट और यहां पर आ गया मेरा ये 30। सो कैलकुलेटेड क्वेश्चन नंबर 35 द आंसर यू विल गेट इज 1 इज द आंसर यू विल गेट। वेट 0.0 है ना, ये 0.0, तो इट विल बी 1/30 एंड रूट ऑफ 900। सो इट विल बी 30/30 एंड इट विल बी 1 ओनली। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज आरएलसी हैविंग द, बैंडविड्थ निकालनी है। बैंडविड्थ निकालनी है सीरीज आरएलसी सर्किट की, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सारी चीजें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 36 है ये। बैंडविड्थ के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है यहाँ पे, आर डिवाइडेड बाय एल। व्हाट इज योर आर? इज योर 80। व्हाट इज योर एल? इज योर 2 इंटू 10^-3, इट विल बी 40 इंटू 10^3, सो इट विल बी 40 किलो हर्ट्ज। इन किलो हर्ट्ज आपको निकालना था ये चीज, ठीक है। 40 किलो हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर यार। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू गेट द फुल्ली चार्ज्ड। देखो बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द रेजिस्टेंस उसको फुल्ली चार्ज्ड इन द सीरीज आरएलसी हैविंग द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। पहले तो टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे, जब टाइम कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो फिर ये बात जान लो कि वो होता है आरसी 4 × 10^3 इंटू 0.1 इंटू 0.4। इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा मेरा 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। लेकिन अब अगर मैं उसको क्या पूछा गया, टू गेट द फुल्ली चार्ज इन सीरीज, टाइम टेकन फुल चार्ज होने में कितना लगेगा, वो लगता है 5 टाइम्स ऑफ टी,
टाइम्स ऑफ टी का मतलब 0.4 इंटू 5, इट विल बी 2 सेकेंड्स. द करेक्ट आंसर विल बी ए, 2 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर हियर. ए 2 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर हियर. आई रियली होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेशन और सभी को मजा आ रहा होगा यहाँ पे. जो भी स्टूडेंट नए आए हैं यहाँ पे एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह खेमेन सर आ गए आपको पढ़ाने अभी, तो एक लाइक तो बनता है बॉस. नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज. देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. फेज वोल्टेज गिवन है, लाइन वोल्टेज की वैल्यू निकालना है. वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी पी एच. इट विल बी रूट ओवर ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ 3.3 किलो. इन किलो वोल्ट 5.7 के वी इज द करेक्ट आंसर. वेरी इजीली यू कैलकुलेटेड द करेक्ट आंसर हियर. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 इज हियर. प्लीज टेल मी यू ऑल आर फॉलोइंग मी. बहुत ही बेहतरीन. द थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज सप्लाइड टू द लाइन वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट. द वैल्यू ऑफ फेज करंट इज 50 एम्पियर. What is the power consumed in the circuitry when the current lags behind the 45 degree? Power in the circuitry आपको बतानी है क्या होने वाली है. बिल्कुल कैलकुलेट करके बताइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा. बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन. बिल्कुल आसानी से आप निकाल लेंगे पावर कितनी होने वाली है. will be equal to root over of 3 times into 440, बिल्कुल 440 multiplied with 50 into cos of 25. 26.94 is the correct answer. 26.94 kilowatt is the correct answer. Yes, so this is my correct answer here. ठीक है. Yes, Avinash, I will just continue this series and I really hope कि इस तरीके के 100-100 questions आपको मिलते रहे, तो ज्यादा से ज्यादा students का फायदा होगा. और अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा students यहाँ पे दिखे तो वो और भी अच्छा रहेगा. ठीक है guys? इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि शेयर करते रहिए, तो क्योंकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है. सो बस यही चीज है. बाकी तो इट्स ऑल गुड दैट यू ऑल आर गेटिंग अ वेरी गुड नॉलेज हियर एंड दैट इज द बेस्ट थिंग विच कैन एवर हैपन. एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है एक बार मैं उनको बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. यस राहुल आर्य, गुड मॉर्निंग. ठीक है, वेरी गुड गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पिछले टाइप का क्वेश्चन था. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लेट मत करिएगा कभी भी, और सही तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करते रहिएगा. कुछ भी नहीं करना. रूट ओवर ऑफ 3 इंटू 400 इंटू 50 इंटू साइन ऑफ व्हाट 53.13, ये होता है 0.8. कैलकुलेट करेंगे 27.71 के वी ए आर, क्योंकि हमको निकालनी है रिएक्टिव पावर. हमको रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है, तो 27.71 के वी ए आर इज द करेक्ट आंसर है. ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से. वेरी गुड गाइस, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो तो आप सभी लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41. Which of the following is the dimensions of this inductance? Dimension वाला part आप देख लीजिएगा, because ये बिल्कुल 12th की physics वाला part है. This is A is the correct answer here. A is the correct answer here. Yes, very good. Next question, question 42. Please give me the correct answer in the chat section.
अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें आएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की बात हो जाती है कि भैया ज्यादा स्टूडेंट्स आए हैं तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से सारी चीजें अवेलेबल कराने के लिए। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग टाइप इज द रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट? तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल, देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नंबर वन इज द इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स द ऑल द एनालॉग मीटर्स आर द इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच ओनली रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्ट द पोजिशन ऑफ द पॉइंटर, वो होते हैं मेरे इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गए मेरे एक नंबर वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि मेरे कौन कौन से होते हैं, एनालॉग मीटर्स होते हैं सारे के सारे, जैसे कि मेरा वोल्ट मीटर, अमीटर, वॉट मीटर, ऑल दीज आर माई इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नंबर टू, नंबर टू पे आता है रिकॉर्डेड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डेड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें वैल्यू मेरी शो तो हो ही रही है कॉन्जिक्यूटिवली, और साथ ही साथ उसका वो प्लॉट भी करती जा रही है, वो एक प्लॉट भी मुझे दिखता जा रहा है। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि डिफ्लेक्ट दिखेगा और रिकॉर्ड होगा, दिखेगा और रिकॉर्ड होगा। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे आपने ईसीजी देखा होगा हॉस्पिटल में, मुझे उम्मीद है कि देखने की जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की एक आउटपुट होता है, मशीन होती है, उसमें दिल की धड़कन के बारे में पता चलता है और उसमें एक स्लिप दे देते लास्ट में जिसमें रिकॉर्डेड वैल्यूज हमें दिखाई जाती है। तो ये तो हो गया मेरा रिकॉर्डेड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और इसका एक और एग्जाम्पल होता है एक्स वाई प्लॉटर। एक्स वाई प्लॉटर इज द अनदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज देयर इन द रिकॉर्डेड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक्स वाई प्लॉटर। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि एक और टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है मेरा इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि पुराने जमाने में, अब तो खैर डिजिटल एनर्जी मीटर्स आ गए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो एनर्जी मीटर्स यूज होते थे वो था मेरा दिस इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जो डिस्क थी वो लाल कलर की आपको घूमते हुए दिखती थी मीटर में जब भी जाके देखते थे। एंड जितनी ज्यादा बिजली पैदा होगी उतनी ज्यादा तेज जो हमारी डिस्क है वो घूमेगी, ये कॉन्सेप्ट था उसका। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि रिकॉर्ड भी होता है, सॉरी शो भी होता है, रिकॉर्ड भी होगा कि मतलब वो, और उसका कम्यूटेटिव एडिशन भी होगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें समझ गए होंगे। अच्छा, समझने के बाद अच्छा लग रहा है तो बताओ जरा चैट सेक्शन में कि हाँ सर समझ गए इस चीज को। यस, बिल्कुल। नेक्स्ट, इन अ टू वॉट मीटर मेथड द पावर कैलकुलेशन ऑफ थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम, वॉट विल बी द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इफ बोथ द वॉट मीटर शोज पॉजिटिव रीडिंग, इफ बोथ द वॉट मीटर शोज पॉजिटिव रीडिंग। देखिए मैं बताता हूँ आपको, वॉट मीटर वन जो है उसकी रीडिंग कितनी होगी, रूट ओवर ऑफ थ्री वी पी एच आई पी एच कॉस ऑफ 30 माइनस 5। डब्ल्यू टू विल बी रूट ओवर ऑफ थ्री वी पी एच आई पी एच कॉस ऑफ 30 प्लस 5। ये मेरी रीडिंग्स होती है दोनों वॉट मीटर्स की, डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू। अब एट 5 will be equal to 60. इसका मतलब cos of 5 is 0.5. After 5 is equal to 60, ये जो मेरा है 560 पे ये हो जाएगा 90. cos 90 हो गया 0. उससे बड़ा होने पे क्या होगा, cos 90 के बाद बड़ा होने पे ये जो W2 है ये negative show करने लग जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि दोनों positive कब है, तो इसका मतलब cos 5 पॉजिटिव कब है, 5 की वैल्यू 0 टू 60 तक बोथ आर पॉजिटिव। जब बोथ आर पॉजिटिव है तो कॉस ऑफ 5 की वैल्यू 0 से लेके इतना तक 1 टू 0.5 तक पॉजिटिव वैल्यू होगी दोनों पे, एट W1
एंड डब्ल्यू टू. सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर. डी इज द करेक्ट आंसर हियर. क्लियर? क्वेश्चन 43 तक पहुंच चुका हूं मैं. डी इज द करेक्ट आंसर हियर. देखो यही फायदा है आपका कि बार बार इसको आके अगर देखोगे तो रिवीजन अपने साथ साथ होता रहेगा. ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं. रिवीजन इज मस्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44. A resistance of 70 ohm is connected in the shunt of a galvanometer having the internal resistance of इतना. ये है मेरा एक galvanometer, उसमें मैंने एक resistance लगा दिया कितना 75 ohms का. अब टोटल करंट बता रहा है ये, यहां से मेरा टोटल करंट आ रहा है कितना 5 एम्पियर. यहां से मेरा टोटल करंट आ रहा है 5 एम्पियर. अब मुझसे पूछ रहा है कि भैया ये करंट आई एम की वैल्यू कितनी है, आई एम की वैल्यू कितनी आ रही है. दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग. ठीक है, देखते कैलकुलेट करके क्या आंसर आ सकता है. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है. देख लेते एक बार. B equal to 1/3. M will be equal to 2/3. M will be equal to 2/3. Now M will be equal to I/IM. IM will be 1/3. इसमें क्वेश्चन में गलती है, उस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन गलत तरीके से लिखा हुआ है. देखो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आर एम की वैल्यू को कंसीडर करना है आपको 75 ओम्स और आर एस एच की वैल्यू को 25 ओम्स कंसीडर करना है. ये क्वेश्चन में इन्होंने गलत तरीके से लिख के दे दिया. ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि आर एम की वैल्यू शुड बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस आर एस एच. RM की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस RSH. ठीक है, तो RM की वैल्यू को यहाँ पे उल्टा उल्टा दे रखा है, तो उसको जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए. RSH की वैल्यू 25 डाल के देखिए. RM M माइनस 1 एंड M विल बी इक्वल टू I/IM. इससे आप करके देखिए, ये आंसर आएगा. उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने गलत चीज दे रखी है, क्वेश्चन में ही गलत चीज दे रखी है. हाँ 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 समझ गया मैं, क्वेश्चन में ही गलत चीज दे रखी है, तो इस तरीके से वो सही होगा. करंट डिवीजन रूल सीधे सीधे लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. करंट डिवीजन रूल भी सीधे सीधे लगा सकते हो. ठीक है, दिखाओ एक बार क्या चीज है. सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम मिस्टर रौनक. मिस्टर रौनक, यस यू आर करेक्ट. यस 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 आई गॉट यू. 1/1/3 इट विल बी 4/3. ओके एग्जैक्टली करेक्ट. यस 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 सही बोल रहे हो बिल्कुल. आई एम सॉरी, देयर इज अ करेक्शन इन हेयर. ठीक है, दिस विल बी 4/3 विल बी इक्वल टू 5 × IM. सो यहां पर देखेंगे, आई एम विल बी 5
इनटू 3 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 3.75। यस, वेरी गुड मिस्टर रौनक, यस यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब सब लोग समझ गए, बिल्कुल इस चीज को ध्यान रख लेना, बिल्कुल मैंने मिस्टेक कर दी थी। अब क्लियर है सब, सारी की चीजें इसी तरीके से सॉल्व करना है, मैंने प्लस माइनस की गलती कर दी थी वहां पे, बिल्कुल हो जाता है कभी कभी, माफ करो। ठीक है गाइस, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे अभी यहाँ पे, तो 3.75 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनालॉग मीटर? इट इज अ टाइप ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? नो। इट इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट? यस। अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ऑल एनालॉग मीटर्स आर द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने बताया सारा का सारा कि ऑल एनालॉग मीटर्स आर माई इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है सभी को ये बात। नेक्स्ट, द सर्किट गिवन बिलो ऑफ अ विच ब्रिज? जो मैंने अभी सर्किट दिखाया है यहाँ पे, जो दिख रहा है ये कौन सा ब्रिज है? इट इज माय मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, इट इज माय मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज कहाँ बता रहे हो? केल्विन डबल ब्रिज नहीं होगा, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रिजेस देयर, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज एंड मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। मोस्टली जो पढ़ाया जाता है वो होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, लेकिन यहाँ पर जो मुझे शो हो रहा है वो है मेरा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। क्लियर है ये बात? ओनली फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस मैक्सवेल इंडक्टेंस। अच्छा, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ दिस मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज सो दैट वी हैव टू मूव टू द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज? व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ दिस मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज? द डिफेक्ट ऑफ दिस मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द क्वालिटी फैक्टर विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्टेंस ब्रिज, सो दैट वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड टू द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। This is the drawback of this bridge that it is cannot be used for the calculation of the quality factor. ठीक है, ये इसका basic reason था कि इसको हमको discard करना पड़ा, लेकिन ये question exam में पूछा जा चुका है Maxwell inductance bridge के लिए। Next चलते हैं। Which are the following materials when used in viewing the surface of the CRO gives reddish glow? The reddish glow is provided by yttrium oxide. The reddish glow is provided by yttrium oxide. Good morning, Shivam. Good morning. This reddish glow is provided by yttrium oxide. So this is also a very important point. Yes. Although this complete CRO is not the theoretically portion. कुछ थ्योरेटिकली है, कुछ प्रैक्टिकली भी है, तो थ्योरेटिकली काफी सारी चीजें हैं तो वो भी याद होनी जरूरी है, क्योंकि वो सीधे सीधे एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। थ्योरेटिकली जितनी भी चीजें हैं वो सीधी सीधी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यट्रियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है, एक बार जरा नोट डाउन कर लेना। ठीक, नेक्स्ट, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिए, फेसबुक पे टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द करंट ट्रांसफॉर्मर? करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सा चीज क्लियर है, सही है? It decreases the range of AC ammeter. It increases the range of AC ammeter. It decreases the range of DC ammeter. अब DC की तो बात ही नहीं आ गई जब current transformer की बात है। अब सीधी सीधी बात ये आ गई कि it increases the range of AC ammeter. अच्छा, होता क्या है current transformer में बता देता हूँ। Suppose करो ये मेरी lines जा रही है, अगर इसी line में मैं अगर सीधे सीधे मैंने मेरी करंट अमीटर को लगा दिया तो इतना ज्यादा करंट आएगा कि अमीटर मेरा बस्ट कर जाएगा। तो मैंने क्या किया, करंट ट्रांसफॉर्मर लगाया इस तरीके से, इसको बोलते हैं सीटी। एक तो इसके दो फायदे हो गए, एक तो मेरा इंसुलेशन प्रोवाइड हो गया और दूसरा इसका मैंने टर्न्स रेशियो इस तरीके से कर दिया कि यहाँ पे अगर 100 एम्पियर करंट जा रहा है तो यहाँ पे कितना एम्पियर करंट जाएगा, 5 एम्पियर करंट जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक मीटर लगा दिया, एक एसी मीटर लगा दिया,
मेजर करने के लिए करंट। अब जब यहाँ पे मैंने मीटर लगा दिया तो वो मेरी 5 एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को मेजर कर लेगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि भैया मेरे जो ट्रांसमिशन लाइन में है उतना उसमें कितना करंट जा रहा है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, दिस कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ द, रेंज इसकी कितनी थी, सपोज करो रेंज इसकी थी 0 से 5 एम्पियर तक, लेकिन अब ये मेजर कितना कर पा रहा है, 0 से 100 एम्पियर तक। सो ऑब्वियसली इसकी रेंज इंक्रीज हो गई ना, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द ब्रेकिंग टॉर्क इन द इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ब्रेकिंग टॉर्क किसकी वजह से प्रोवाइड किया जाता है इन द इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, क्वेश्चन नंबर 49। द ब्रेकिंग टॉर्क इन द इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज प्रोवाइडेड बाय पुटिंग द मैग्नेट क्लोजर टू द डिस्क, पुटिंग द मैग्नेट क्लोजर टू द डिस्क सो दैट द मैग्नेट will cause the flux in the disk so that those fluxes are in the opposite direction of, those fluxes are in the opposite direction of the action of rotation of the disk, and therefore the speed is reduced and the braking is provided using the eddy currents, using the eddy current. So eddy current will be the correct answer in this case. क्लियर, आई रियली होप कि जो पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल आसानी से हम इस चीज को डील करते हुए चल रहे हैं, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आई विल बी गोइंग टू कवर, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी। अब देखो जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, वेन्स ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर इज वेन्स ब्रिज, फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस। एंडरसन ब्रिज सेल्फ इंडक्टेंस, वेरी लो क्यू कॉइल, डी सॉर्टी ब्रिज कैपेसिटेंस ओनली, एंड डी फैक्टर। अब डी सॉर्टी भी दो टाइप का होता है, एक होता है इम्प्रूव्ड मॉडिफाइड डी सॉर्टी और एक होता है नॉर्मल डी सॉर्टी। तो मॉडिफाइड डी सॉर्टी में डी फैक्टर डिसिपेशन फैक्टर की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, सॉरी जो नॉर्मल के डीसॉर्टी होता है उसमें हम डिसिपेशन फैक्टर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन जो हमारा मॉडिफाइड डीसॉर्टी है उसमें हम डिसिपेशन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओन्स ब्रिज में आता है मेरा सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। हेज ब्रिज की बात करें तो वो भी सेल्फ इंडक्टेंस है लेकिन फॉर हाई क्यू कॉइल, हाई क्यू कॉइल, लेकिन फॉर हाई क्यू कॉइल, ठीक है। सारी की सारी चीज चल रही है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं एक बार जरा लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हम लोग पहुंच पाए, और शेयर कर दीजिए एक बार। बिल्कुल स्टूडेंट ज्यादा है, लाइक कम है, बिल्कुल लाइक कर दीजिए जितने भी यहाँ पे आए हैं। मेरा 51 का शगुन हो चुका है, ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 51 तक पहुंच चुका हूं मैं, सारी की सारी चीजें बता बता के एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर करके क्वेश्चन 51 तक पहुंचा हूं मैं। टोटल मैं क्वेश्चन 100 तक करूंगा, 100 क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग। द लॉसेस एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल फ्रिक्शन ऑफ द मशीन इज कॉल्ड, दैट इज वेरी वेरी इजियर क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। यस गाइस, मैकेनिकल लॉस इज द करेक्ट आंसर हियर, सो नो नीड टू वरी, इस तरीके से आप आंसर देते रहिए। एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट इन द सेट 3 एंड सेट 4 एंड सेट 1 देयर आर सम क्वेश्चन व्हिच आर कॉमन देयर, देयर आर सम क्वेश्चन व्हिच आर कॉमन देयर इन द सेट इन द डिफरेंट सेट्स। सो दिस इज माय सेट 4 क्वेश्चंस ऑल आर क्लियर। नेक्स्ट, फॉर अ थ्री फेज लोड बैलेंस कंडीशन ईच फेज हैज द सेम वैल्यू ऑफ व्हाट,
फॉर द बैलेंस लोड्स ईच फेज हैज द सेम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस. यस दिस इज करेक्ट. रेजिस्टेंस इट इज करेक्ट. पावर फैक्टर इट इज करेक्ट. सो इट मीन्स ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस. बैलेंस सर्किट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. अब थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा चल कॉन्सेप्चुअल नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मूव करेंगे. सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे. ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन द ट्रांसफॉर्मर गिव्स व्हाट? कॉपर लॉसेस एट फुल लोड, कॉपर लॉसेस एट हाफ लोड, कॉपर लॉसेस एट ओवरलोड, या फिर कॉपर लॉसेस एट एनी लोड. दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग. सो एग्जैक्टली द शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेरा जो होता है वो मेरा कॉपर लॉसेस प्रोवाइड कराता है, ये तो मैं जानता ही जानता हूँ. अब एट विच लोड, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस एट एनी लोड. एट एनी लोड वी कैन कैलकुलेट इट. इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि उसको फुल लोड पे ही कैलकुलेट करेंगे या फिर उसको हाफ लोड पे करेंगे या फिर उसको ओवरलोड पे करेंगे, ऐसा नहीं है. किसी भी लोड पे मैं मेरे कॉपर लॉस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन 54 है ये. आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कॉज, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कॉज फ्लक्स टू रिड्यूस विथ. आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, कॉजेज फ्लक्स टू रिड्यूस विथ. क्वेश्चन 54, रिड्यूस विथ इंक्रीजिंग करंट. Reduce with increasing current is the correct answer here. Increasing current is the correct answer here. ध्यान रखिएगा, इसको जरा note down कर लीजिए जिनका भी गलत हो रहा है एक बार जरा. Guys, आप लोग एक बार बस एक बार इसको like कर दीजिए अपने इस video को, ताकि और भी students यहाँ तक पहुंच पाए. जितने students हैं उन्होंने like नहीं किया है बिल्कुल भी, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं. नेक्स्ट, सी वाज द करेक्ट आंसर इन द प्रीवियस क्वेश्चन. द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन्स इज मेड अप ऑफ, एक बार बताइए जरा क्या आंसर होना चाहिए इसका. द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन्स इज मेड अप ऑफ, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दिस सिलिकन स्टील इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वॉट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सिलिकन स्टील? It is mostly as, and most of the students have doubts regarding this silicon material. के भैया क्या है इसका basic concept, and काफी सारे students इसमें परेशान होते हैं. अब देखो सबसे important चीज, it is used. Why it is used? Here. Question 53 में है. देखो कॉपर लॉसेस कैन बी यूज फॉर एनी लोड, सो देयर इज नो वरी अबाउट. इसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट हो गई बताओ जरा. इजी तो है. देखो सिलिकॉन स्टील की मैं बात करूं, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. कई बार स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिलिकॉन स्टील क्या है एंड सिलिकॉन स्टील से क्या क्या फर्क पड़ेगा, एडी करंट कम होंगे या फिर हिस्टेसिस कम होंगे. जब भी सिलिकॉन स्टील वर्ड देखो, ध्यान रखना इस बात को, इन द ट्रांसफॉर्मर ऑल्सो जब भी सिलिकॉन स्टील वर्ड देखो तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन का जो मटेरियल होता है उसका जो हिस्टेसिस लूप होता है वो कम होता है. इसके लिए इसका हिस्टेसिस लॉसेस विल रिड्यूस. अब यही जो सिलिकॉन की लेमिनेशंस प्रोवाइड करी गई है, अब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लेमिनेशन से रिलेटेड, व्हाई द लेमिनेशंस आर प्रोवाइडेड. टू रिड्यूस द
एडी करंट लॉसेस। अब देखो एडी करंट को किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है, एडी करंट को किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है। पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो क्रिएटरिस का है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं लिंक बता दूंगा लास्ट में। अब लेमिनेशंस के लिए हमेशा आएगा एडी करंट। अब लेमिनेशन भी सिलिकन की ही प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसका मेजर कॉज रहता है हिस्टेसिस, ये सेकेंडरी कॉज रहता है। अगर सीधे लेमिनेशन पूछा गया तो बोलेंगे एडी करंट रिड्यूस होगा, सिलिकन स्टील पूछा गया तो बोलेंगे हिस्टेसिस रिड्यूस होगा। अब देखिए सिलिकन स्टील में क्या होता है, जो मेरा एडी करंट फ्लो हो रहा है सिलिकन स्टील, उसमें एक रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करा देगी। जब हाईली रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड हो गया मेरे उस एडी करंट के लिए, तो ऑब्वियसली वो एडी करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियसली वो एडी करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा एक और बात बताइए मुझे, ये जो लेमिनेशंस है ये थिन होती है थिक होती है? अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं, लेमिनेशन थिन और थिक? थिन लेमिनेशंस आर प्रोवाइडेड, थिन लेमिनेशंस आर प्रोवाइडेड। एंड व्हाई दिस थिन लेमिनेशंस आर प्रोवाइडेड, कभी सोचा है इस चीज को कि थिन लेमिनेशन ही क्यों प्रोवाइड कराई गई है मुझे, मैंने थिक क्यों नहीं करा दी? थिक करा दूंगा रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा, एडी करंट तो खत्म, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा है व्हाई थिन? सोच के देखो कि थिन लेमिनेशन ही मैंने क्यों प्रोवाइड कराई है, व्हाई आई प्रोवाइडेड द थिन लेमिनेशन? क्योंकि अगर मैं थिक लेमिनेशन प्रोवाइड करा दूंगा, थिक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो मेरा जो सब्सटेंस है, मेरा जो सिलिकन है वो हो जाएगा ब्रिटल। ब्रिटल नेचर होता है मेरे सिलिकन का। अगर मेरे सिलिकन का ब्रिटल नेचर है तो उसमें क्या क्या चीज है उसमें, कि उसका नेचर ब्रिटल है, उसमें है कोवेलेंट बॉन्ड। और इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से उसका नेचर है ब्रिटल, और इस वजह से उसको थिक लेमिनेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती, क्योंकि अगर थिक करा देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है थिन लेमिनेशंस। बताइए कितने लोगों को ये ज्ञान अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई ये पूरी कहानी, ठीक है? सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे? यस, वेरी गुड। डीसी जनरेटर आर डिजाइन टू डेवलप द आर्मेचर वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ व्हाट? 650 वोल्ट से ऊपर आप आर्मेचर वोल्टेज को नहीं एक्सीड कर सकते। क्यों, किस चीज का लिमिटेशन आ जाता है आपके सामने? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कम्यूटेटर इज द करेक्ट आंसर। कम्यूटेटर इज द करेक्ट आंसर है। मैंने जो अभी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको मुझे लगता है पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, एंड उसी चीज को फॉलो करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे एग्जाम क्लियर होंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 57, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस व्हाट? पावर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट? पावर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड करंट। द करेक्ट आंसर इज द वोल्टेज, इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीजेस द वोल्टेज, इट इंक्रीजेस द वोल्टेज। शांतनु प्लीज सी द वीडियो आफ्टर सम टाइम एंड जस्ट गो टू दैट क्वेश्चन एंड सी सी दैट एक्सप्लेनेशन, यू विल गेट इट, ठीक है? क्वेश्चन 58, क्वेश्चन 58, इट इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एट, क्वेश्चन नंबर 58 आ गया, इट इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, वेरी हाई करंट, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द वेरी हाई वोल्टेज। तभी आपकी हाई वोल्टेज डीसी एसी की लाइंस आपकी अवेलेबल है यहाँ पे, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट। अच्छा हाई वोल्टेज के लिए कैसे इकोनॉमिकल होगा बताओ जरा मुझे, सोच के देखो हाई वोल्टेज के लिए कैसे इकोनॉमिकल होगा। देखो इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं आपको। सपोज करो कि ये मेरे पास ट्रांसमिटिंग का सेंटर है ए, यहां से मेरा ट्रांसमिट हुई वोल्टेज कितने पे, बी पॉइंट पे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर।
हो सकता है ट्रांसमिशन के केस में हो सकता है ना। अब ये क्या है मेरा कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर का एक फेनोमिना होगा कि इसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। ये क्या है मेरा आई, आई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है मेरा है ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर भी लगा है मेरा ट्रांसफॉर्मर। तो आप देखिए ये आई और आर मिलके एक लॉस बनाएगा, कौन सा लॉस बनाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस। और इस ये जितना ज्यादा होगा उतनी हीट जनरेटेड ज्यादा होगी, हीट जनरेट भी उतनी ज्यादा होगी। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए एक बार, मैं उसको बता रहा हूं। तो ये मेरे लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस बोला जाता है इनको, ट्रांसमिशन लॉसेस बोला जाता है। अब सपोज करो कि यहां पर एक रिलेशन होता है ट्रांसफॉर्मर में, V1 डिवाइड बाय V2 विल बी इक्वल टू I2 डिवाइड बाय I1। इसका मतलब V इज इनवर्सली रिलेटेड टू I। अगर मैं हाई वोल्टेज कर दूंगा, अगर वोल्टेज इज हाई सो दिस करंट विल बिकम लो, अगर वोल्टेज इज हाई तो दिस करंट विल बिकम लो। वोल्टेज हाई हो गया तो करंट लो हो गया, करंट लो हो गया तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर लॉसेस विल बी लो, एंड डेफिनेटली आई स्क्वायर आर लॉसेस विल बी लो। तो इकोनॉमिकली मेरी हाई वोल्टेज ही मेरी प्रेफर्ड होगी, इकोनॉमिकली मेरी हाई वोल्टेज ही प्रेफर्ड होगी। बताइए जरा फॉलो कर पा रहे इसको, इसीलिए वेरी हाई वोल्टेज शुड बी प्रेफर्ड फॉर द ट्रांसमिशन, वेरी हाई वोल्टेज शुड बी प्रेफर्ड फॉर द ट्रांसमिशन। डेफिनेटली आई की वैल्यू कम होगी तो आई स्क्वायर की वैल्यू और भी कम होगी, बिल्कुल पक्की बात है। आई की वैल्यू कम होगी तो आई स्क्वायर की वैल्यू और भी कम होगी, पक्की बात है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो गई, इसका मतलब मेरे लॉसेस जो है ट्रांसमिशन लॉसेस है वो रिड्यूस हो गए बहुत ही ज्यादा। जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा ट्रांसमिशन लॉसेस मेरे कम होते जाएंगे। बताइए कितने लोगों को समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया और लाइक नहीं करा वीडियो तो लाइक कर दीजिए बिल्कुल, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 59 पे। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आर ऑल्सो यूज इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर डेवलपिंग वॉट। क्वेश्चन नंबर 59, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर डेवलपिंग द एडी करंट इज द करेक्ट आंसर हियर, एडी करंट इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए वन ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड इज वी बाय एफ कंट्रोल इज द, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल को हम इसमें चूज करते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर हियर, वी बाय एफ कंट्रोल। सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं? यस, बहुत ही अच्छे, वी बाय एफ कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए। द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्कनेक्टिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्कनेक्टिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन विच द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है मुझे, कि ये सपोज करो मेरी मेन वाइंडिंग है, ये मेरा आर्मेचर है यहाँ पे, ये मेरी एक और वाइंडिंग है सपोज करो, दिस इज माय सपोज करो ऑक्सिलरी वाइंडिंग। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी ये कहती है कि इस करंट, ये सपोज करो I1 करंट है और I2 करंट है, I1 एंड I2 करंट के बीच में अगर मेरा फेज डिफरेंस ज्यादा आ गया,
I1 एंड I2 करंट के बीच में अगर मैं फेज डिफरेंस ज्यादा आ गया तो फिर मेरी जो मोटर है, आर्मेचर है, जो रोटर है उसका, उसको मेरा इनिशियल इंक्लिनेशन मिल जाएगा और मोटर मेरी मूव ऑन लग जाएगी अब देखो यहाँ पर एक हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं इस पोजीशन पे, हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच रिलक्टेंस मोटर में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, कैपेसिटर रन मोटर में भी नहीं होगा, कैपेसिटर रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज ही नहीं होता, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यूज होता है। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, देखो यहाँ की मेरी मेन वाइंडिंग। अब जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का प्रोवाइड कराने के लिए मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को इस्तेमाल किया है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग तो है ही, तो ये कैपेसिटर जो है इसको बोला जाता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। एट द स्टार्टिंग इट इज कनेक्टेड बट एज एंड व्हेन द मोटर इज स्टार्टेड उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ओपन कर दिया जाता है। जैसे ही मैंने ओपन कर दिया तो वो जो मेन वाइंडिंग में जो करंट मूव हो रहा उसकी वजह से मेरा आर्मेचर मूव होगा या रोटर मूव होगा, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं इस चीज को, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर रन मोटर का कोई एग्जांपल बताओ, सबसे सबसे बढ़िया एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर रन मोटर, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर रन मोटर इज व्हाट, कैपेसिटर रन मोटर की अगर मैं बात करूं उसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपका फैन। कैपेसिटर इज कनेक्टेड थ्रू आउट एंड बाद में भी वो कनेक्टेड ही रहेगा, दैट इज द कैपेसिटर रन मोटर। अच्छा एक और बात बताता हूँ, ये जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, और जो आपका वो वहां पे जो यूज कैपेसिटर यूज हुआ है वो होता है आपका सिरेमिक कैपेसिटर, वो अलग टाइप का कैपेसिटर है। Those were the AC capacitor and this is the electrolytic, these are the DC capacitors. Next, the split phase induction motor, the running winding should have what? अब वही कहानी है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आप लोगों को। ये है मेरी मेन वाइंडिंग, इसको बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। ये है मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को तो मैं हटा दूंगा थोड़ी देर बाद, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को तो मैं हटा दूंगा थोड़ी देर बाद। अब देखो क्या कहानी है, क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए कि इसका जो मैं रेजिस्टेंस है मेन वाइंडिंग का, रेजिस्टेंस शुड को मैं बहुत कम कर देता हूँ, रेजिस्टेंस को कम कर देता हूँ, इंडक्टेंस को इसको बढ़ा देता हूँ, और वैसी का उल्टा मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए कर देता हूँ, रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ और इंडक्टेंस को कम कर देता हूँ। इससे क्या होता है मेरे I1 और I2 के बीच में फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है, I1 I2 के बीच में फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है क्योंकि R और L मेरी डिफाइन करेंगी कि उसका फेज वैल्यू कितना है, R और L की वैल्यू ही तो मेरी डिफाइन करने वाली है कि उसका एंगल कितना वो ले पा रहा है। तो इसीलिए लो रेजिस्टेंस एंड हाई करंट इज द करेक्ट आंसर फॉर द रनिंग वाइंडिंग, लो रेजिस्टेंस एंड हाई करंट इज द आंसर फॉर द रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, मुझे पूरी उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिए ताकि इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स और स्टूडेंट्स भी सीख पाए और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी स्टडीज को परस्यू कर पाए, ठीक है। लोग सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 63, वेरी गुड गाइस, द रिलक्टेंस मोटर इज, व्हाट, it is a self starting motor, yes it is a constant speed motor, it is also correct, it is a no dc excitation, reluctance motor mein sirf ac excitation hota hai, no dc excitation, so all of the above is the correct answer, all of the above is the correct answer, it is self starting, yes it is has, it has no dc excitation, that is also correct। jo bhi aapke question galat ho rahe hai uska zara note down karte rahiyega
कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है और इस तरीके से गलत हो रहा है, ठीक है? सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज यूज्ड फॉर स्विंगिंग मशीन इज डन बाय, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज डन बाय वेयरिंग द रेजिस्टेंस, इसका ये डायग्राम देख लीजिए, इट इज नथिंग बट द डीसी एसी डीसी सीरीज मोटर, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड लाइक दिस, दिस इज माई फील्ड वाइंडिंग एंड दिस इज माई आर्मेचर वाइंडिंग, एंड इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस ऊपर लगा के वेरिंग द रेजिस्टेंस की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, स्पीड कंट्रोल। स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, सपोज करो वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया तो यहां से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जब मेरे करंट की वैल्यू कम हो गई तो इस फील्ड वाइंडिंग में करंट की वैल्यू कम हो गई, आई एफ की वैल्यू कम हो गई, जब आई एफ की वैल्यू कम हो गई तो फिर मेरे फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जब फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई तो मेरी ई की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर मैं कह सकता हूँ ई अगर कॉन्स्टेंट है तो मेरे एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इस चीज को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ बाय वेयरिंग द माय रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर मैं R की वैल्यू बढ़ा दूं तो I की वैल्यू कम हो गई, I की वैल्यू कम हो गई तो IF की वैल्यू कम हो गई, IF की वैल्यू कम हो गई तो phi की वैल्यू कम हो गई, phi की वैल्यू कम हो गई तो N की वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से अगर मैं उल्टा करूं, R की वैल्यू कम कर दूं तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे R की वैल्यू देखो मैं आपको सही से बता दूं और अच्छे तरीके से, देखिए इधर अगर मैं इस R की वैल्यू को कम कर दूं तो फिर ये I की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब इस आई की वैल्यू बढ़ गई तो ऑब्वियसली इस आई एफ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जब इस आई एफ की वैल्यू बढ़ गई तो ऑब्वियसली ये फाई की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब फाई की वैल्यू बढ़ गई तो ऑब्वियसली मेरी एन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, तो स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। बताइए जरा, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग अच्छे से? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये चीज आपको आ जानी चाहिए इजीली। द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली लैगिंग इन नेचर, इज लैगिंग इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेसिस मोटर आर सुटेबल फॉर, हिस्टेसिस मोटर किस चीज के लिए सुटेबल है? Suitable for sound equipment. Sound equipment recording type instruments होते हैं, recorded type वाले। नहीं 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 नहीं, fan नहीं है, fan नहीं होगा। इसकी application वाला part पूरा अच्छे से पढ़ लेना, मैं एक special session लूंगा उसपे, तो उसपे साथ साथ पढ़ लेना मुझसे। And fan नहीं होगा इसका answer. साउंड इक्विपमेंट इज द करेक्ट आंसर। जो रिकॉर्डर्स होते हैं ना पुराने टाइम में, साउंड वाले, साउंड रिकॉर्डर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स, वो इसका आंसर है, टेप रिकॉर्डर। पुराने जमाने में देखे होंगे छोटे छोटे रिकॉर्डर्स आते थे, जो वो रिकॉर्डर्स आते थे, मशीन्स भी आती थी उनके बीच में, जो कैसेट के अंदर जो मोटर लगी हुई है जो उस कैसेट को घुमा रही है, डेट इज माई दिस हिस्टेसिस मोटर। कैसेट के अंदर जो मोटर लगी हुई है जो स्लॉट में फिक्स होके फिर वो उसको घुमा घुमा के, बता दूंगा उसका एग्जांपल, उसको घुमा कर आपकी आपको साउंड प्रोवाइड करा रही है, डेट इज द हिस्टेसिस मोटर। क्लियर? नेक्स्ट, द रिले यूज्ड इन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज, the relay which is used in the short transmission line is, the correct answer of this question will be reactance relay, that is a short transmission line. Next, the highest voltage transmission line starting from the generating point is called, अभी अभी मैंने एक कहानी बताई थी पावर लॉस वाली, इस तरीके से कि मैंने थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी,
यस रिएक्टेंस रिले हो गया। मैंने क्या बोला था, इस वोल्टेज को हम हाई करते हैं, सो हाईएस्ट वोल्टेज किस पॉइंट पे रहेगी? प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन पॉइंट पे मेरी हाईएस्ट वोल्टेज रहने की संभावना है और इसी को मैं हाई वोल्टेज पे प्रोवाइड कराता हूँ। प्राइमरी ट्रांसमिशन इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं? नेक्स्ट, ए 30 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग अ पावर ऑफ 33 केवी इज नोन एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 70, ए इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर अ केबल शुड हैव हाई हाइग्रोस्कोपिक नॉन इन्फ्लेमेशन एसिड प्रूफ। ऑल थ्री आर करेक्ट हियर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, नेम द इक्विपमेंट विच रन द अल्टरनेटर। नेम द इक्विपमेंट विच रन्स द अल्टरनेटर दैट इज योर प्राइम मूवर। प्राइम मूवर इज द करेक्ट आंसर। द इक्विपमेंट विच runs the alternator, prime mover is the correct answer here. 72, the electric strength in a cable is more on electric strength zyada kis pe hogi? The electric strength on the cable is more on the layer of the conductor. Electric strength की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा, उसमें confuse मत हो जाना बाकी इस चीज। On the layer of the conductor पे electric strength maximum होगी मेरी। ठीक है, सभी लोग follow कर पा रहे हैं? Yes, very good. No, A is the correct answer. Layer of the conductor. Next. The in places where acid and alkalis are present, the type of wiring is used. Acid and alkali are used in the PVC wiring. This is a completely theoretical question. No need to. There is में कोई भी concept नहीं है. ठीक है? जानते हैं आप सभी लोग. PVC winding is the correct answer. Replacement of wiring is not easy. In which type of wiring? क्या बोल रहे हैं? Replacement of wiring is not easy in which type of wiring? अभी बताते हैं। अब बताओ मुझे, इन ये जो मेरे दो टाइप की जो मेरी वायरिंग है, इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग किसमें मुश्किल है? दिख रहा होगा मेरे हिसाब से सबको। यहां पर मेरा क्या है, ये होती है ओपन वायरिंग। ये जो मेरा पोर्शन है, ये मेरा ओपन वायरिंग, ये है मेरी कॉन्सील्ड वायरिंग, ये है मेरा ओपन वायरिंग और ये है मेरा कॉन्सील्ड वायरिंग। अब मेरा कॉन्सील्ड वायरिंग है, इसमें जो मेरी जो पाइपलाइंस है, जो पाइप नहीं मतलब मेरे वायर्स है, वो इनसाइड द वॉल है, लेकिन मेरी ओपन वायरिंग मेरी मेरी जो जो वायर्स है वो मेरी बिल्कुल मेरे दीवार से बिल्कुल चिपक के है। तो इसीलिए जो कॉन्सील्ड वायरिंग है, इसमें ऑब्वियसली मेरा थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। इट इज नॉट इजी टू रिप्लेस द वायर्स। ओके, क्लियर? आई रियली होप यू आर फॉलोइंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे। एंड मेरे जो ये इमेजेस वगैरह लेकर आ रहा हूँ, यहाँ से थोड़ी सी और भी ज्यादा अच्छा व्यू आपको मिल रहा होगा सारी चीजों का। ठीक है, अब ACSR means बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्या है भैया? ACSR is the aluminium conductor.
स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड। अब रीनफोर्स का मतलब द आउटर लेयर इज योर स्टील। ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये जो मेरी आउटर लेयर है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मेरी स्टील की है, जो दो लेयर्स है यहाँ पे, और मेरी जो इंटरनल लेयर्स है ये एल्यूमिनियम की है। यहाँ पे कंडक्टर है जो कि जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड स्टील रेनफोर्स्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज फॉर 500 वॉट एंड 5 ओम। सो 50 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द इजिएस्ट वन। ओके, 50 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर, दोज हु हैव जस्ट जॉइन द सेशन प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। 51 इज द करेक्ट आंसर हियर, सॉरी 50 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। दो घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, 9 बजे शुरू किया सेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरिटी से आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ज्यादा आराम से और क्लियरली इन चीजों को बिल्कुल आपके साथ शेयर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस पूरे के पूरे सेशन को बहुत ही ज्यादा इंजॉय किए होंगे। बताइए जरा कैसा लग रहा है सेशन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 77 पे। टोटल 100 क्वेश्चन मुझे करने हैं आज, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, बताइए जरा कैसे लग रहे हैं। सेट 5 कल नहीं होगा, मैं बता दूंगा आपको, अपडेट कर दूंगा जब सेट में कराऊंगा। ठीक है, because all these classes are additional classes, all these classes which I am providing here, that these all these question series are the additional classes, these are not my regular classes. In regular way I am teaching measurement in the evening session 8 to 9, theek hai, 8 to 9 I am teaching the in the evening session measurement section kar raha hu. ye main additional classes leke aa raha hu aapke liye, kyunki aapke fayde ke liye definitely। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू द लाइटनिंग क्वालिटी इज व्हाट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू द लाइटनिंग क्वालिटी इज द ग्लेयर। अब ग्लेयर क्या कहानी, इधर देखेंगे, यहां मैं पूरी एक्सप्लेनेशन लिख के लेके आया हूं। और ग्लेयर के बारे में, glare is the most important factor with respect to the lightning quality. It is caused by luminance in the visual field that is too bright. Glare is caused by the luminance in the visual field that is very very bright, and it causes the discomfort and the reduce productivity and is highly subjective in the some people. कैन बी मोर सेंसिटिव टू देन ऑफ अदर। कुछ लोगों में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर्स। एज ब्राइट ऑब्जेक्ट अलोन डज नॉट नेसेसरी कॉज द ग्लेयर, बट द ब्राइट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द डार्क बैकग्राउंड विल कॉज इट। सो ग्लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू लाइटनिंग क्वालिटी। ये मैं डेफिनेशन भी लिख के लेकर आया हूं, ताकि आप लोग को अगर बाद में अगर पीडीएफ भी देखो तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में रहे और सारी की सारी चीजें आप फॉलो कर पाए। बताइए जरा किस कैसा लग रहा है इस तरीके से पढ़ाई करने में,
एंड ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द ACSR कंडक्टर, द इंसुलेशन बिटवीन द एल्यूमिनियम एंड स्टील कंडक्टर इज, नो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। डी, नो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। नो 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 नो, डी, नो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। यस, जितने भी स्टूडेंट्स अभी आए हैं एक बार लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है? सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे? नो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, हो गया 79 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द गिवन फ्यूज इज बिगर, साइज बड़ा किसका होगा फ्यूज का, एसी का, डीसी का, बोथ, या फिर इस तरीके से। इसका बताइए 79 का क्या आंसर होना चाहिए, मैं बताता हूं फिर। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे। दिस इज माई ए सी एंड दिस इज माई डी सी। एक है मेरा ए सी और एक है मेरा डी सी। अब जब मेरी बात सुनेंगे कि डी सी पे एक स्पेसिफिक वैल्यू है मेरे पास, सपोज करो 50, और यहां मेरी पीक वैल्यू आ गई थी 50, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे, डी सी के केस में मेरी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट चल रही है और वो कांस्टेंटली ही मेरी फाइनाइट वैल्यू तक पहुंच जाएगी, कांस्टेंट रहते रहते ही वो इनफाइनाइट वैल्यू तक पहुंच जाएगी, जो मेरी डीसी के केस में है। लेकिन जो मेरा एसी है वो हर एक सेकंड में करीबन 50 बार अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है और अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है, हर एक सेकंड में 50 बार अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है और अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है, कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। इसका मतलब वो हर एक सेकंड में अपने मैग्नीट्यूड को 50 बार जीरो से शुरू करता है और वापस से जीरो पे ले जाता है और फिर नीचे जाता है और फिर वापस से जीरो पे ले जाता है। तो वो जीरो पे आने की वजह से हम क्या करेंगे कि कंपेरेटिवली द फ्यूज जो होता है वो मेरे करंट पे डिपेंड करता है उसकी रेटिंग, फ्यूज जो होता है वो करंट पे डिपेंड करेगी उसकी रेटिंग। और डेफिनेटली क्योंकि एसी के केस में तो बार बार जीरो पे जा रहा है, तो नॉर्मल इंस्टेंट पे जीरो जीरो उसकी जो साइज है एसी के केस में डेट विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू द डीसी, तो साइज बड़ा होगा डीसी का। सभी लोग समझ गए किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस चीज को मैंने डील किया है? क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चोक इन द फ्लोरोसेंट लैंप। सबके घर में फ्लोरोसेंट लैंप है, ट्यूबलाइट है, उसमें चोक लगा हुआ है, देखना जरा, रेक्टेंगल टाइप का चोक लगा हुआ है, तो उस चोक का पर्पस क्या होता है, जरा ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चोक इन द फ्लोरोसेंट लैंप। स्टार्टिंग पर्पस टू प्रोवाइड हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग, टू इंप्रूव पावर फैक्टर, टू मिनिमाइज द पावर कंजप्शन। मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज एट द स्टार्टिंग। अब देखो मैं बताऊँ आपको, बेसिकली स्टार्टिंग पर्पज भी हो सकता है लेकिन हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराना ज्यादा बेटर रहेगा। हाई वोल्टेज से क्या होगा, जो मेरे जो फ्लोरोसेंट लैम्प के अंदर जो गैस है वो गैस में इग्निशन प्रोवाइड हो जाता है, इनिशियल इग्निशन ड्यू टू द हाई वोल्टेज। लिख लेता हूँ इसको यहाँ पे, इनिशियल इग्निशन इज प्रोवाइडेड ड्यू टू द हाई वोल्टेज, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग, और वो इनिशियल इग्निशन की वजह से मेरी जो गैस है वो ब्लिंग 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 करके जल जाती है। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 81,
बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। द इलेक्ट्रिक हीटर द मेटल केस इज कनेक्टेड टू, देखते हैं किससे कनेक्टेड है। सपोज करो ये मैंने आयरन ले लिया, बिल्कुल प्रेस सबके घर में होती है। इलेक्ट्रिक हीटर, क्या सवाल है? द मेटल केस, जो मेरा मेटल केस है, दिस इज माई मेटल केस, दिस इज माई मेटल, मेटल इज कनेक्टेड टू दिस अर्थ वायर। मेटल केस इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, तो अर्थ वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। जो मेरा मेटल केस है वो मेरे अर्थ वायर से कनेक्टेड होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडोर लाइटिंग। बहुत ही आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडोर लाइटिंग। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पास, वो सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। इंडोर लाइटिंग की बात करूं तो फ्लड लाइट्स आर नॉट द इंडोर लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज्ड पेयर। कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज्ड पेयर। दीज कार्बन आर्क लैंप्स आर कॉमनली यूज्ड इन द सिनेमा प्रोजेक्टर। देखो ये सारी जो एप्लीकेशन वाली चीजें, ये सारी की सारी ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो सिनेमा प्रोजेक्टर इज द करेक्ट आंसर है। ओके, ल्यूमंस पर वॉट इज अ यूनिट ऑफ, ल्यूमंस पर वॉट इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस एफिशिएंसी की यूनिट होती है मेरी ल्यूमंस पर वॉट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एसी करंट ओनली, डीसी करंट ओनली, इधर एसी और डीसी। एसी से भी हो सकती है और डीसी से भी हो सकती है, तो इधर एसी और डीसी इज द करेक्ट आंसर हियर। इधर एसी और डीसी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, यस, बोथ से हो सकती है आर्क प्रोड्यूस, इधर एसी और डीसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। द रेक्टिफायर ऑफ अ वेल्डिंग हैज अ वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैसी वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए रेक्टिफायर ऑफ अ वेल्डिंग सिस्टम। देखो जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, किस तरीके से इसको रेक्टिफायर किया जाता है। ये मेरी एसी सप्लाई आ गई यहाँ पे, सबको सबको विजिबल है ये बताइए पहले तो। सबको विजिबल हो रहा है अच्छे से? ये मेरी एसी सप्लाई हो गई यहाँ पे, यहाँ लग गया मेरा ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बाद सेंडर टैप उठाया, क्या है ये सेंडर टैप के बाद यहाँ पे लोड लगा दिया, दिस इज माय लोड। दिस इज माय लोड हेयर नाउ। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो मेरा लोड तो लग गया है मेरा। अब लोड लगने के बाद यहाँ से मेरा लगा वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे, और जब मेरी वेल्डिंग इस तरीके से हो रही है तो मेरे सिस्टम में किस तरीके का कर्व शो होगा, वो होगा इस तरीके का। दैट इज माय ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज माय ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज माय ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसको बोला जाता है ड्रूपिंग आर्क कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87।
इंसुलेटिंग मटेरियल सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन. इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन इज द कॉर्क इज द करेक्ट आंसर हियर. कॉर्क क्या होता है जरा समझेंगे. कॉर्क स्ट्रक्चर, कॉर्क जो स्ट्रक्चर होता है एंड नेचुरल फायर रिडेंडेंट मेक इट सुटेबल ऑल्सो फॉर अक्यूस्टिक एंड थर्मल इंसुलेशन इन द हाउस वॉल एंड फ्लोर एंड सीलिंग्स. किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है ये, इस तरीके से दिखता है ये. इसको इंसुलेटिंग मटेरियल सूटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है. ये देखिए दीवार पे पूरा का पूरा इसको चिपका दिए. कॉर्क बोला जाता है इसको. डेफिनेशन नीचे है, फोटो ऊपर है, क्वेश्चन यहाँ पे है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से सीखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, अब ध्यान में आ जाएगा. लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए तो कॉर्क ही है, सर ने बताया था, डेफिनेशन भी पढ़ाई थी, डायग्राम भी दिखाया था. इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी गलत नहीं होगा एग्जामिनेशन. फॉलो कर पा रहे हैं मुझे बताइए जरा, कितने लोग फॉलो कर पा रहे हैं, एक बार लाइक का बटन दबाओ सभी लोग. जो जो जिस जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक का बटन दबाओ, और यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि समझ में आ गया. इस तरीके से सर इसी तरीके से पढ़ाइए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. द मैटर सुटेबल फॉर हीटिंग द कंडक्टिंग मीडियम इज व्हाट. कंडक्टिंग मीडियम को हीट करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है. दैट इज द इंडक्शन हीटिंग. दैट इज द इंडक्शन हीटिंग इज सुटेबल फॉर द हीटिंग द कंडक्टिंग मीडियम. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन इज, नंबर इज 3. So, ये है मेरा बोरॉन, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. थोड़ा सा ज्ञान ले लो. सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4. ठीक है. अब इसमें जब डोपिंग प्रोवाइड की जाती है, डोपिंग वाइड, डोपिंग इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर. जब मैंने डोपिंग प्रोवाइड कराई है तो डोपिंग दो तरीके से करा सकता हूँ, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है. तो देखो 5 अगर 4 से बड़ा है तो 5 हो गया बाप. बाप बोले तो बिस्मत, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस. बिस्मत, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस. अगर मैं ट्राइवेलेंट की बात करूं तो ये 4 इसका बाप हो गया. 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इट मींस 4 इज फादर ऑफ 3. फादर बेटे को क्या देगा, जमीन. जमीन की एक यूनिट होती है बीघा. बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम. बोरॉन, इंडियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम. क्लियर है बात. बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर है. तो बाप और बीगा समझ में आ गया, बताइए जरा किस किस को समझ में आ गया. वेरी गुड गाइस. नेक्स्ट,
पोटेंशियल बैरियर एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बताते हैं, इसको देखो जरा ध्यान से। ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे मेरे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और जितने होल्स होते हैं उतने ही मेरे नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। यहाँ पे मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने मेरे पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। जब इनका रिकॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, यहाँ बन जाती है नेगेटिव आयंस की लेयर, क्योंकि इस लेयर के होल्स कंबाइन कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और यहां बन जाती है पॉजिटिव आयंस। अब जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बच गए तो पोटेंशियल बैरियर, दिस बैरियर इज द पोटेंशियल बैरियर वी। दिस इज माय पोटेंशियल बैरियर बी। Now these barriers, the potential barrier produced is obstructing the flow of these electrons and holes. So we needed a separate, नहीं आज 5 बजे नहीं होगी क्लास स्पेशल वाली। We needed a separate voltage to provide the current flow between one point to the another point. Okay? So इसी वजह से electron and hole is the correct answer here. Next. The type of circuit that does not need any coupling capacitor is, the type of circuit that does not need any coupling capacitor is what? Transformer coupled is the correct answer. Transformer coupled is the correct answers, guys. Please tell me you are all following me, then it will be great. Next. क्वेश्चन नंबर 92, द प्लेट करंट इन द ट्रायोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द ग्रिड वोल्टेज। द ट्रांजिस्टर कंसिस्ट टू पी एन जंक्शन होते हैं यहाँ पे। एक पी एन जंक्शन ये रहा और एक पी एन जंक्शन ये रहा, तो देर आर टू जंक्शन इन द ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज बिकॉज it has more power gain is the correct answer. More power gain is the correct answer in the common emitter amplifier. The current gain beta is also higher. Current gain, voltage gain, power gain, all are higher. Okay. In this 90 question number 94, question number 95, the synchronous motor shaft is made up of, पहले हमने बात की थी आर्मेचर की अभी कुछ देर पहले, अब मैं बोल रहा हूं सिंक्रोनस मोटर शाफ्ट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ द माइल्ड स्टील इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 95, माइल्ड स्टील इज द करेक्ट आंसर हियर गाइस। नो, क्रोम स्टील इज नॉट बी द करेक्ट आंसर, माइल्ड स्टील इज द करेक्ट आंसर हियर। प्लीज मेक इट क्लियर। और जो भी क्वेश्चन गलत हुए है आज के 100 क्वेश्चंस में से, उसको जरा जरूर उसको वापस से जरूर देखिएगा,
यो क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ? क्वेश्चन नंबर 96, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द सिंक्रोनस मोटर इट इज इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस स्टेटर फ्लक्स? नो इल नॉट इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड, पुल आउट एंड पुल इन टॉर्क विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. None of the above is the correct answer here. Next, कोई भी discrepancy है तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, चैट मुझे मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, ठीक है? जैसे काफी सारे बच्चों को पिछले क्वेश्चन का सी लग रहा है शायद, कोई बात नहीं, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं वापस से एक बार देख लूंगा, रिवाइज कर लूंगा, ठीक है गाइस? सभी लोग फॉलो कर पा रहे मुझे? अ सिंक्रोनस मोटर हैज बेटर पावर फैक्टर देन द इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू, अ सिंक्रोनस मोटर हैज बेटर पावर फैक्टर एज कंपेयर टू द इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू व्हाट? शाम को 8 बजे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए क्लासेस लेके आने वाला हूँ, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो आ जाइएगा, ठीक है सभी लोग? और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? द सिंक्रोनस मोटर हैज बेटर पावर फैक्टर देन द इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू व्हाट? इज ड्यू टू द स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इज द करेक्ट आंसर. विपुल आई विल जस्ट चेक, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी चेक्ड, एक बार वो मेरे हिसाब सही होगा, आप मुझे एक बार स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए टेलीग्राम पे, मैं आंसर कर दूंगा, देख लूंगा क्या उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आई विल चेक अगेन, डोंट वरी. ओके विपुल, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, अगर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लमेटिक होता है तो मैं वापस चेक करके बता दूंगा आपको. नेक्स्ट, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, पीडीएफ बता दूंगा अभी. बिल्कुल मिस्टर मैनन, when the field current, when the field current of an unloaded salient pole synchronous motor gets suddenly opened, then what will happen? Field current ही open हो गया salient pole motor का, तो क्या होगा? The motor will stops. Motor will stops. Next. The armature current of synchronous motor is minimum when operating at. Armature current of synchronous motor is minimum when operating at unity power factor. कैसे सर? ये देखिए, इधर देखिए, यूनिटी पावर फैक्टर. देखो यूनिटी पावर फैक्टर वाली बीच वाली कंडीशन है ये, मैं वी कर्व दिखा रहा हूं आपको. वी कर्व क्या होता है? आर्मेचर करंट एंड द फील्ड करंट. आर्मेचर करंट इज मिनिमम एट द यूनिटी पावर फैक्टर. देख पा रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है? सो एट द यूनिटी पावर फैक्टर द आर्मेचर करंट विल बी मिनिमम, ठीक है? सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 100 पे चल रहा हूं, सेंचुरी होने वाली है. बिल्कुल, पिछली बार तो अंधेरे में सेंचुरी करी थी लाइट बंद होने के बाद, लेकिन आज तो उजाले उजाले में दिन दिन में सेंचुरी कंप्लीट कर दी है मैंने. क्वेश्चन नंबर 100, द रिजल्टेंट आर्मेचर वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज इक्वल टू, द रिजल्टेंट आर्मेचर वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज इक्वल टू वेक्टर डिफरेंस बिटवीन, वेक्टर डिफरेंस ऑफ ई बी एंड वी.
So this will be the resultant armature voltage, vector difference between VB and EB and V. So ये पूरा सेशन था मेरा, बताइए जरा सेशन कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 100 पूरे हो गए, कैसा लगा पूरा सेशन बताइए जरा? करीब 2.5 घंटे से ऊपर हो गया मुझे यहाँ बोलते 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 बोलते, एक बार बताएंगे सेशन कैसा लगा आप लोगों को, फिर मैं आगे बिल्कुल एंड अप करूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो यूज कर सकते हैं मेरा कोड है खेम लाइव इज माय कोड, ओके खेम लाइव इज माय कोड। बताइए जरा कि सेशन कैसा लगा आपको सभी लोग को, लाइव क्लासेस ये सारी चीजें आपको बताइए अनअकैडमी प्लस के बारे में, अगर लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो बता दीजिए। बस ये सेलेक्ट करना है कि कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है आपको और ये सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल शेयर कीजिए सेशन को अपने दोस्तों के साथ। एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मुझसे पढ़ने के लिए, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको बस जाना होगा अनअकैडमी ऐप पे, गोल सेलेक्ट कीजिए, ओके आई विल टेक द बायलैंग्वेज, ओके डोंट नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट दैट फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ मंथ्स यू नीड टू टेक द सब्सक्रिप्शन। 12 month सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन and it you will get the subscription in 5400 after using my code KHEMLIVE, you will get the subscription in 5400, it means you will get the discount of 10%, clear? Yes, thank you so much. You can join this Facebook group, this Telegram, in this Telegram you will get the PDF of this complete lecture, the PDF of this complete lecture will be available in this Telegram group. This is the Telegram group where you will get the complete PDF of this lecture. Clear? ठीक है? बिल्कुल, in this Telegram group you will get the PDF. ठीक है? Thank you so much. I really hope you have understood all the things. Thank you so much for being part of this video. If you think that my contribution towards your studies is a good approach or approach बहुत अच्छी है, तो मुझे आप join कर सकते हैं Facebook पे भी, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो Facebook पे लिखेंगे खेमेंद्र, मैं वहां पे आ जाऊंगा। और अगर Unacademy subscription लेना चाहते हैं तो आप मुझसे join कर सकते हैं Facebook पे, सब्सक्रिप्शन के लिए मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन बिट बाय बिट एंड काफी सारी चीजें आपको यूजफुल लगी होगी यहाँ पे। मैं चलता हूँ, अब मिलूंगा आपको शाम को 8 बजे यूट्यूब पे मेरे नए सेशन के साथ मेजरमेंट के ऊपर। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड अच्छे से रहना, अपने घर वालों का ध्यान रखना, सारी चीजें ध्यान से रखना एंड डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, क्लियर?